কুদেও জো পিএসসি মা হোকে বাবাল দিন রাত পড়না হে মজাবো ধমাল কাও করে লে থসরে টেনশন আরে কাও করে লে থসরে টেনশন জব অফসর বন কে তে কর পে ধমাল ये कैसे होगा सर हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू कॉम्पिटिशन कमिटी कंपटीशन कम्युनिटी में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा टॉप एमसीक्यू सीरीज टारगेट ऑन प्रीलिम्स जो सीरीज हमारी चल रही है, उस सीरीज में हम दिन प्रतिदिन जो हमारा भारतीय इतिहास का विषय है उसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। और जो हमारा इस बार का पढ़ने का तरीका है वह है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ ही साथ हम पूरे विषय को खत्म करने का प्रयास करें और संपूर्ण सिलेबस आपको करवाया जाएगा, ये भी हमारी कोशिश है। ठीक, तो यहां पर जो आज का विषय है वह है मुगल वंश, मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत चल रहा है। मध्यकालीन भारत का जो आज का टॉपिक है वह है मुगल वंश। पिछली क्लासेस में हमने दिल्ली सल्तनत को समाप्त किया था और दिल्ली सल्तनत जहां पर खत्म हुआ था वहीं से शुरू होगा क्या, मुगल। क्लियर है? तो समझेंगे कि मुगलों की शुरुआत कैसे हुई, मुगलों में पहला राजा कौन था, पहला शासक कौन था, और यहां से जो आपको इंपॉर्टेंट बैटल्स या युद्ध देखने मिलेंगे उसके बारे में भी हम जानते चलेंगे। ठीक है, किसी प्रकार का अगर आपको डाउट हो प्रीवियस क्लास का तो उसे भी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, जिसे शनिवार को लाइव के माध्यम से आपको बताया जाएगा। क्लियर है यहां तक चीजें? चलिए मुगल डायनेस्टी स्टार्ट करते हैं मुगल वंश के बारे में। तो हमारे पिछली क्लास में हमने देखा था कि दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था लोधी वंश। उस लोधी वंश में आखिरी शासक था इब्राहिम लोधी, और इब्राहिम लोधी जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में मारा जाता है, और उसके बाद लोधी समाप्त, इब्राहिम लोधी समाप्त। क्लियर है यहां तक चीजें? ठीक, तो उन्हीं चीजों को अब देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के बाद कैसे मुगल वंश की स्थापना होगी। मुगल वंश की स्थापना होगी, ठीक है, मुगल वंश की अगर बात करें तो मुगल वंश में हमको किसी अलग अलग वंश के बारे में नहीं पढ़ना, केवल मुगल के बारे में पढ़ना। और अब हम लोग जानेंगे राजाओं के बारे में, क्योंकि मुगलों में एक एक राजा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक, तो मुगल वंश की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मुगल वंश की संस्थापक के रूप में हमें देखने को मिलेंगे बाबर। सबसे पहला मुगल डायनेस्टी का रूल करने वाला किंग बाबर, और बाबर का टाइम पीरियड रहेगा 1526 से 1530, 1530 तक, 1530, 1526 से 1530 तक बाबर का शासन रहेगा। बाबर के बाद अगला जो राजा आएगा वह होगा हुमायूं। अगला शासक हमें देखने को मिलेगा हुमायूं। क्लियर है? हुमायूं, और हुमायूं का टाइम पीरियड हमें देखने को मिलेगा 1530 से 1540, और साथ ही साथ 1555 से 1556। ठीक, जिनको जानकारी होगी अच्छी बात है, जिनको जानकारी नहीं होगी कि 30 से 40 और 55 से 56 ये ऐसे दो बार शासन करता हुआ हुमायूं क्यों दिख रहा है, इसे हम जानेंगे। क्योंकि इस बीच में एक शासक आया था, एक राजा आया था इस समय, और एक नए वंश की शुरुआत हुई थी कुछ समय के लिए, उसको भी हम पढ़ेंगे। अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि 1540 के बाद, आफ्टर 1540, कौन सा डायनेस्टी या कौन सा राजा यहां पर शासन किया था। क्लियर है? चलिए देखते हैं हुमायूं के बाद। हुमायूं के बाद अगला शासक मिलेगा हमें
अकबर, अकबर। अगला रूलर, अगला शासक अकबर। अकबर की अगर बात करें तो अकबर का टाइम पीरियड हमें मिलेगा 1556 से 1605, 1605। क्लियर है? अकबर के बाद अगला जो राजा है उसका नाम है जहांगीर, जहांगीर। और जहांगीर का जो शासन चलेगा वह चलेगा 1605 से 1627 तक। क्लियर है? ठीक। और लास्ट, ठीक, जहांगीर के बाद अगला जो शासक हमें मिलेगा वह हुआ शाहजहां, शाहजहां, शाहजहां। शाहजहां रहेगा 1627 से 1658 तक। और अंतिम शासक के रूप में, अंतिम शासक के रूप में हमें देखने को मिलेगा औरंगजेब, औरंगजेब, औरंगजेब। औरंगजेब का टाइम पीरियड 1658 से 1707 तक, 1707 तक। जो छात्र अभी जुड़े हों उन्हें मैं बता देना चाहूं कि अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मुगल डायनेस्टी या मुगल वंश। मुगल वंश में जब हम बात कर रहे हैं तो हम पहले राजाओं के क्रम को देख रहे हैं, कौन सा राजा किसके बाद आएगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपका यही से बनेगा। क्रम में जमाइए, कौन सा राजा किसके बाद है, इसे आपको पहला पूछ लेता है। तो पहला कौन नाम मिला है आपको? बाबर। बाबर के बाद अगला हुमायूं, हुमायूं के बाद अगला शासक अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, फिर शाहजहां और औरंगजेब, औरंगजेब। ये जो हम राजाओं के नाम लिखे हैं ये महत्वपूर्ण मुगल शासक हैं जिन्होंने मुगल वंश साम्राज्य के विस्तार किया और साथ ही साथ मुगलों को शक्तिशाली बनाया। इसके बाद औरंगजेब के बाद भी कुछ मुगल आएंगे, उसे कहते हैं पोस्ट मुगल एरा, उत्तर मुगल काल। और इस उत्तर मुगल काल के बाद पूरा का पूरा यहां पर मुगल वंश समाप्त तो हो जाएगा। यानी मैं कहूं तो ये जो शासक हैं ये महत्वपूर्ण शासक हैं और उत्तर मुगल काल में कमजोर शासकों का शासन आपको देखने मिलेगा, यानी कमजोर राजा वहां पर शासन करेंगे। चीजें समझ में आ रही बातें? ठीक, ध्यान समझते जाइए और देखते जाइए। ठीक, चलिए अब यहां पर हम लोग जो शुरू करेंगे, पहला जो राजा है मुगल वंश का वह है बाबर। बाबर से संबंधित एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर बाबर को पढ़ना चालू करते हैं, क्योंकि हमारा जो टारगेट ही है कि एमसीक्यू के माध्यम से आपको पूरा टॉपिक करवाना है। ठीक है, संपूर्ण सिलेबस कराना हमारा। ठीक, चलिए। बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक था। ठीक, एक आलम खान। ठीक, बताइए। इब्राहिम लोदी का संबंधी था जो दिल्ली के राज इतिहास में दावेदार था। इसके अलावा इब्राहिम लोदी के संबंधी जिसे दुर्वहार किया गया था तथा देश से निष्कासित, दिलावर खान जो इब्राहिम लोदी के हाथों क्रूर व्यवहार मिला, या पंजाब प्रांत के उत्तराधिकारी थे जो अपनी जाति के प्रति इब्राहिम लोदी के व्यवहार से अत्यधिक असंतुष्ट थे। बताइए क्या होगा आंसर इसका, ध्यान से देख के बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर। ठीक, आलम खां के बारे में यहां पर पूछा गया है आपको, आलम खां के बारे में आपको बताना है, ध्यान से देखिए आलम खां के बारे में बताइए। ठीक, तो यहां देखिए जो आपका पहला ऑप्शन है, इब्राहिम लोदी के संबंधी थे, इब्राहिम लोदी के संबंधी थे और दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था, यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, अभी अपन समझते हैं कि इब्राहिम लोदी का संबंधी कैसे था और कैसे वो दिल्ली का दावेदार यानी दिल्ली का सत्ता को हथियाना चाहते थे। ठीक, चलिए। तो यहां पर हमने जैसे जाना था कि जब दिल्ली सल्तनत के आखिरी राजा के बारे में हमने पढ़ा, इब्राहिम लोदी के बारे में, तो इब्राहिम लोदी के बाद यानी दिल्ली सल्तनत समाप्त हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, और डिक्लाइन होने के बाद यहां पर मुगल की स्थापना हो रही है, और मुगल का संस्थापक कौन है? बाबर। तो थोड़ी एक बेसिक जानकारी बाबर के बारे में ले लेते हैं, फिर हम लोग
आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कैसे इब्राहिम लोदी बाबर से लड़ते हुए युद्ध में पराजित हुआ था। थोड़ी एक बेसिक जानकारी, तो यहां पर हम जान लेते हैं बाबर के बारे में। बाबर के बारे में अगर देखें तो कहा जाता है इसका जो जन्म हुआ था, जन्म की अगर बर्थ की हम बात करें, जन्म की बात करें तो इसका जन्म हुआ था वर्ष 1483 में, 1483 में इसका जन्म हुआ था। और जन्म हुआ था एक स्थान पर जिसे हम कहते हैं फरगना। फरगना, फरगना नाम के एक छोटे से क्षेत्र में जो अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा में पड़ने वाली एक स्थान है, एक जगह है छोटा सा, उसे कहते हैं फरगना, जहां पर बाबर का जन्म हुआ था। ठीक, बाबर की अगर हम बात करें राज्याभिषेक की, राज्याभिषेक, बाबर का राज्याभिषेक कब हुआ, तो बाबर का राज्याभिषेक हुआ था 1494 ईस्वी में, 1494 ईस्वी में बाबर का राज्याभिषेक हुआ था। ठीक, बाबर ने अपने समय में बहुत मुश्किलें देखी, बहुत मुश्किलें, और इन मुश्किलें में अगर बात करें तो बाबर ने कभी हार नहीं मानी, ये इंपॉर्टेंट था, बाबर ने कभी हार नहीं मानी। क्योंकि अगर हम देखें बाबर जो है, बाबर इसके रगों में दो वंशों का खून था, दो वंश अगर हम देखें, इनके पिता की तरफ से जिनका नाम था मिर्जा ग्यास बेग, वह थे तैमूर वंश के इसके पिता थे तैमूर वंश के, और इनकी माता कुतलुग निगार खां जो इनकी माता थी वह थी मंगोल। और मंगोल नेता के बारे में तो आप जानते ही हैं, चंगेज खां। तो तैमूर लंग और चंगेज खां का वंशज था कौन, बाबर। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि बाबर क्या है, कभी हार नहीं मानेगा, इसके खून में ही शुरुआत से क्या है, वीरता है। ठीक, तो यहां पर जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो बहुत ही अल्प आयु में इसका क्या हो जाता है, राज्याभिषेक हो जाता है, राज्याभिषेक बहुत ही कम एज में इसका राज्याभिषेक हो जाता है। और राज्याभिषेक के होते ही इसके चाचा, इसके परिवार वाले, इसके संबंधी इसे राज्य से बाहर करने में लग जाते हैं, और इसे राज्य से बाहर कर दिया जाता है। जब इसे फरगना से बाहर किया जाता है तो 1504 ईस्वी में यह काबुल को जीत लेता है, काबुल के क्षेत्र को जीत लेता है। ठीक, काबुल के क्षेत्र को 1504 में यह जीत लेता है, और उसका प्रयास रहता है कि काबुल में वह रहे। परंतु यहां पर देखने मिलता है कि काबुल के क्षेत्र में भी उसे शांति से रहने नहीं दिया जाता, और बाबर के सामने और समस्याएं खड़ी हो जाती हैं कि कोई ऐसा एक क्षेत्र हो जहां पर मैं स्थायी निवास कर सकूं और अपना राज्य विस्तार या साम्राज्य विस्तार कर सकूं और साम्राज्य की स्थापना कर सकूं, ऐसे कुछ विचार इसके मन में थे। और काबुल से भी इसे कुछ समय बाद निर्वासित या बाहर होना पड़ता है, और काबुल से जब यह बाहर होता है तो यह बढ़ता है भारत की तरफ। जब बढ़ता है तो 1519 में इसने किले को जीता था, और किले को कहते हैं भीरे का किला। क्लियर है, पंजाब के पास पड़ने वाला एक छोटा सा क्षेत्र है भीरा, उस क्षेत्र को यह जीत लेता है, भीरे के किले को। अब समझिए कहानी कैसे मोड़ लेती है, उस चीज को समझिए। ठीक, बिल्कुल बेसिक चीजें हमने जानी है अभी बाबर के बारे में, कि बाबर तैमूर और मंगोलों का एक वंशज है। ठीक, 1494 में इसका राज्याभिषेक हो गया है। इसके अलावा यहां पर वह धीरे धीरे काबुल के क्षेत्र को छोड़ने के बाद भीरे के किले की तरफ बढ़ गया है। ठीक, चलिए आगे जो चीजें बता रहा हूं बिल्कुल ध्यान समझिएगा, क्योंकि अभी मुगल वंश की स्थापना होने वाली है कुछ देर। ठीक है, ध्यान से देखिए भाई, है ना, कमेंट सेक्शन में चर्चा ना करके पहले ध्यान समझिए, उसके बाद डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पहले ध्यान से समझिए। ठीक,
अभी अगर हम बात करें तो बाबर जो है आपका भारत में नहीं पहुंचा है और भीरे के किले के पास यहां पर बाबर है। और जब ये भारत की तरफ नजर उठाए देख रहा था उस समय दिल्ली सल्तनत में इब्राहिम लोदी का शासन था, दिल्ली में इब्राहिम लोदी का शासन था, इब्राहिम लोदी का, क्लियर है, इब्राहिम लोदी का दिल्ली पर शासन था, दिल्ली पर कब्जा, दिल्ली पर शासन इब्राहिम लोदी का था। ठीक, अब देखिए बाबर की एंट्री होती कैसी है और बाबर का भारत में आने का कारण क्या बनता है ये आप समझना जरूरी है। ठीक है, बाबर क्या है, अभी खाना बदोश की तरह जीवन गुजर बसर कर रहा है, आप ये मान के चलिए, वो एक स्थायी को प्राप्त करना चाह रहा है, एक स्थायी जीवन जीना चाह रहा है, परंतु स्थायी हो नहीं पा रहा है, इसलिए वह यहां वहां भटक रहा है। देखिए अब वो कैसे आता है उसको ध्यान समझते जाइए। ठीक, चलिए देखिए, दिल्ली में जब यह शासन कर रहा था तो इब्राहिम लोदी के जो चाचा है, इब्राहिम लोदी के चाचा जिनका नाम था आलम खान, आलम खान, वो ये चाहते थे कि इब्राहिम लोदी को सत्ता से हटाया जाए और दिल्ली की सत्ता उन्हें मिले। तो ये कौन है, इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान। वैसे ही एक पंजाब का सूबेदार था, पंजाब का सूबेदार, पंजाब का सूबेदार, तो एक था पंजाब का सूबेदार जिसका नाम था दौलत खान लोदी, दौलत खान लोदी, क्लियर है, पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोदी। वैसे ही हम आए अगर इधर यहां पर मेवाड़ में, तो मेवाड़ का एक शासक था, मेवाड़ का राजा जिसका नाम था राणा सांगा, राणा सांगा, क्लियर है। ठीक, तो यहां पर तीन लोगों के मैंने नाम लिखे हैं, एक है चाचा आलम खां, सूबेदार दौलत खां लोदी, और तीसरा है मेवाड़ का शासक राणा सांगा, राणा सांगा। ठीक, अब देखिए सत्ता के केंद्र में है कौन, इब्राहिम लोदी, सत्ता को हटाने, सत्ता से हटाना चाहता है कौन, चाचा आलम खां, साथ ही साथ पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोदी, यह भी पसंद नहीं करता है किसको, इब्राहिम लोदी को, यह भी चाहता है कि यह कहां से हट जाए, सत्ता से हट जाए इब्राहिम लोदी। तीसरा मेवाड़ के शासक राणा सांगा, इनकी भी भरपूर कोशिश थी कि दिल्ली की सत्ता से इब्राहिम लोदी को हटाया जाए। ठीक, ये जो तीन लोग हैं, तीन, इनकी तिगड़ी बनती है और इनकी ही योजना होती है कि ये जो बाबर है, बाबर जो भारत की सीमा में बैठा हुआ है, क्यों ना इसे आमंत्रित किया जाए, आमंत्रित किया जाए, बुलाया जाए, और बुलाने के बाद यहां पर कहीं ना कहीं सहयोग देने की बात, ठीक है, बुलाया तो, परंतु सहयोग देने की बात कही गई मेवाड़ के शासक राणा सांगा के द्वारा। इसके अलावा इन्होंने भी कहा कि अगर बाबर यहां अटैक करता है, आक्रमण करता है, तो हम भी इनकी सहायता करेंगे। और इसी सहायता के आश्वासन में बाबर जो केवल 12,000 की सेना लेकर निकला है, वह 12,000 की अपनी सेना लेकर अब दिल्ली पर आक्रमण करने वाला है। तो यहां पर चीजें समझ रहे हैं, यानी दिल्ली में आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले तीन लोग थे, चाचा आलम खां, पंजाब का सूबेदार दौलत खां और मेवाड़ का शासक राणा सांगा, राणा सांगा। ठीक, अब बाबर अपनी तैयारी कर रहा है। बाबर युद्ध करने से पहले एक बार एक पत्र के माध्यम से मैसेज भिजवाएगा और मैसेज के थ्रू यहां पर जानकारी देगा इब्राहिम लोदी को कि इब्राहिम लोदी, मैं आपके क्षेत्र में आक्रमण करने वाला हूं, इसके पहले मैं एक बार आपको आगाह करना चाहता हूं कि मैं जिस वंश से आया हूं, यानी मंगोलों की तरफ से, ठीक, मंगोलों की तरफ से, और तैमूरों का मैं क्या हूं, वंशज हूं, मेरे यहां पूर्वजों ने, तैमूर ने दिल्ली के क्षेत्र को जीत लिया था, याद है तैमूर लंका आक्रमण 1398, याद है कि नहीं भाई, प्रीवियस रिवीजन करते रहे तभी तो आपको पता होगा। तो 1398 में जब तैमूर ने आक्रमण किया था, तैमूर ने पूरी दिल्ली को जीत लिया, मैं बस वही क्षेत्र को वापस मांग रहा हूं, और अगर आप खुशी खुशी अगर दिल्ली का क्षेत्र मुझे दे देते हो तो मैं आप पर आक्रमण नहीं करूंगा और युद्ध की नौबत नहीं आएगी, ऐसा एक संदेश इसने भिजवाया था। यह संदेश जब इसने भिजवाया था दिल्ली में इब्राहिम लोदी के पास,
तो ये संदेश इब्राहिम लोदी के पास नहीं पहुंचा, और इब्राहिम लोदी के पास मैसेज ना पहुंचने के कारण, संदेश ना पहुंचने के कारण इब्राहिम लोदी ने भी कोई जवाब नहीं दिया, और इब्राहिम लोदी का जवाब बाबर के पास नहीं आया, मतलब बाबर ने युद्ध की ओर आगे बढ़ गए। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ रही कि बाबर कैसे भारत की ओर आगे आया, ये चीजें जहां तक आपको समझ में आ गई। ठीक, अब बाबर जब यहां पर आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट इन दोनों के बीच में एक लड़ाई होने वाली है, वह है पानीपत का युद्ध। पहला एक युद्ध लड़ा जाना है, उसे हम कहेंगे पानीपत का युद्ध। तो बाबर के द्वारा लड़ा जाने वाला सबसे पहला युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत या फर्स्ट बैटल ऑफ प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया, 1526 को। ठीक है, यह युद्ध जो लड़ा जाएगा वह लड़ा जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही भाई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यह युद्ध लड़ा गया, क्योंकि यहां पर आप देखिए बाबर जो है बहुत ही कम सेना लेकर आया है, 12,000 की लगभग सेना थी कहा जाता है, और लाख भर की सेना इब्राहिम लोदी के पास थी। फिर भी बाबर ने अपनी बहादुरी और वीरता से इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया और इस पानीपत के युद्ध में जीत गया। तो इस युद्ध में कौन जीता भाई? बाबर को जीत हासिल हुई और इब्राहिम लोदी इस युद्ध में हार गया, और इब्राहिम लोदी के हारने के पश्चात यहां बाबर ने अपने मुगल वंश की स्थापना की। ध्यान समझ लिया, बाबर जो है इस युद्ध को कैसे जीता यह भी तो जानना महत्वपूर्ण है। ठीक, आपने अभी बस देखा कि पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, बट युद्ध को इसने जीता कैसे, यह भी एक जानने वाली बात है। इसमें सबसे पहला, बाबर ने अपने जब क्षेत्र में रहता था काबुल में, उज्बेकिस्तान के क्षेत्र में, तो वहां पर सैबानी खान और अन्य जो राजा थे वहां पर, उनसे वो लड़ाइयां करता था, और वहां पर लड़ाइयों में तोप का प्रयोग होता था, तोप का, साथ ही साथ तुलगुमा पद्धति का उसने प्रयोग अपने क्षेत्र में देखा था। उसी पद्धति का प्रयोग भारत में पहली बार बाबर करने वाला है। ठीक, तो याद रखिएगा, बाबर ने इस पानीपत के युद्ध में तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किया, साथ ही साथ इसने तोप का भी प्रयोग किया। तुलगुमा का प्रयोग किया ही, परंतु तोप का प्रयोग किया। ठीक, इसके पास दो तोपची थे, तोप चलाने वाले तोपची, जिनको कहा जाता है उस्ताद अली और मुस्तफा। ठीक है, कई लोगों को लग रहा होगा तोप चलाने के लिए ऐसे दो लोग रखे हुए कौन सा बड़ा काम करे, भाई तोप चलाना आसान बात नहीं है, और पहले के समय के तोप गए तो आगे, नहीं तो पीछे ढूंढ के आ गए तो वहीं किस्सा खत्म हो जाएगा भाई, है ना। चले गए तोप चलाने और पता चला तोप आगे जाने, गोला आगे जाने के बजाय पीछे आ गया, और वहीं आप खत्म। ठीक, इसीलिए तोप चलाने के लिए विशेष रूप से इसने दो लोगों को रखा था। ठीक, चलिए, इसके अलावा आप एक और देख रहे हैं यहां पर तुलगुमा पद्धति में क्या होता है इसे समझ लीजिए। ठीक है, तुलगुमा पद्धति, पहली बार जो छात्र जुड़े हैं और ये बाबर के बारे में पढ़े होंगे, तुलगुमा के बारे में जानकारी नहीं होगी। तुलगुमा में होता क्या था, जैसे अगर ये इब्राहिम लोदी की सेना इस तरफ खड़ी है और इस तरफ अगर बाबर की सेना खड़ी है, दोनों आमने सामने खड़े हैं, दोनों की सेनाएं आमने सामने हैं, यहां हो गई इब्राहिम लोदी की सेना और ये हो गई बाबर की सेना, तो इस पद्धति में होता यह था कि बाबर जो है अपने विरोधी को
अपने विरोधी को चांद के आकार में घेरता था, चांद के आकार में, चांद के आकार में घेराबंदी करता था। और चांद के आकार में घेराबंदी करने के पश्चात इसे चारों तरफ से चांद की आकृति में घेराबंदी करने के पश्चात यहां पर अपने विपक्षी पर यह कंटिन्यूअस लगातार आक्रमण करवाता था, चांद के आकार में घेरकर आक्रमण करवाना। और इसमें यह फायदा होता था क्योंकि भाई अभी ध्यान किनका है, यहां पर सेना खड़ी है, इनका ध्यान सामने है और आजू बाजू की तरफ से जो आक्रमण हो रहे हैं उस पर उनका ध्यान नहीं जाता। जैसे हम और आप आमने सामने खड़े हैं तो मेरा टारगेट यह है कि सामने वाला ही मुझसे लड़ेगा, परंतु अचानक से अगर कोई बाजू से लड़ने आ जाए, इस तरफ से भी लड़ने आ जाए, तब मैं संभल नहीं पाऊंगा। तो वही होता था, इब्राहिम लोदी की सेना बाबर के सामने खड़ी है और सेना पर आजू बाजू से पूरी आक्रमण होती है तो आक्रमण को सैनिक संभल नहीं पाते, समझ नहीं पाते। और सेना जब इधर उधर भागना चालू करती थी उसी समय बाबर अपने तोपचियों से बोलता था तोप चलाओ और खत्म कर दो, और बाबर के सैनिक कंटिन्यू तोप चलाएं, और तोप जब चले तो भीड़ जो तितर बितर हुई उसमें चलते से बहुत सारे सैनिक मारे जाते थे। और इसी बीच बाबर भी आगे बढ़ा और बाबर ने भी क्या किया था, इब्राहिम लोदी को मार दिया था। क्लियर है? इसे ही कहा जाता है तुंगनुमा पद्धति, जिसमें चांद के आकार बनाकर, चांद का घेरा बनाकर, चांदनुमा घेरा बनाकर विपक्षी को घेरा जाता था। और इसी में तोप का प्रयोग भी इसने किया था। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? तो ये था पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध जिसमें कहा जाता है भारत में पहली बार तोप का प्रयोग हुआ, साथ ही साथ तुंगनुमा पद्धति का प्रयोग किया। ठीक है, क्लियर है? अब यहां पर बाबर जब इस क्षेत्र को जीत जाता है, दिल्ली को जीत जाता है, तो दिल्ली को जीतने के पश्चात यहां पर दिल्ली में इसने मुगल वंश की स्थापना की। अच्छा, याद रखिए, देखिए मुगल का नाम भी कैसे पढ़ा है उसे देख लीजिए। मुगल, मुगल जो ये नाम आप देखते हैं, ये नाम जो अभ्रंश के रूप में बदला है, ये बदला है मंगोल से, मंगोल, मंगोल ही बदलकर आगे चलकर क्या कहलाया, मुगल कहलाया, मुगल। अब आप बोलोगे मंगोल ही रख लेते भाई, मुगल रखने क्या जरूरत है भाई, किसी वंश का नाम रख ही रहा है, बाबर चाहता है मैं मंगोलों का वंश जो दिखाऊं तो मंगोल वंश रख लेते सर, है ना, मुगल रखने क्या जरूरत है। तो आप समझिए बातों को, दिल्ली में ना उस समय मंगोलों और तैमूरों के नाम से, तैमूर के नाम से दिल्ली के लोग थरथर कांपते थे, वहां के आसपास के ग्रामीण या जो क्षेत्र में रहने वाले लोग थरथर कांपते थे। तो उनके मन से डर भगाने के लिए, कि उनके मन से डर निकल जाए और थोड़ा लोग सहज हो जाए राजा के साथ, क्योंकि भाई राजा, क्योंकि बाबर जो है अब राज करना चाह रहा है, यहां पे परमानेंट शासन करना चाह रहा है, तो चाहता था कि लोग सहज हो जाए और पुरानी जो यादें हैं जो तैमूरों की और मंगोलों की छूटी हुई थी उसे भूल जाए। इसी कारण से मंगोल से क्या बन गया, ये मुगल बन गया। समझते जाइए ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं, है ना, आपको समझ विकसित करने में मदद करती है। साथ ही साथ जो आपको पॉइंट अच्छे लग रहे हैं उसे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखें अगली जो लड़ाई लड़ेगा बाबर, उस लड़ाई को कहते हैं खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। अगली जो लड़ाई है वह है खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा। ठीक है, बैटल ऑफ खानवा, क्लियर है? अब देखिए ये युद्ध कैसे होता है, कब होता है, 1526 को ये हुआ और 1527 को ये वाला युद्ध होने वाला है, खानवा का युद्ध 26 और अगले साल 27। अब बाबर जो है दिल्ली की सत्ता में काबिज हो गया है, परंतु अभी भी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि दिल्ली में वास्तविक रूप से मुगल की स्थापना पानीपत के बाद नहीं हुई। समझने वाली बात है, देखिए हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि पानीपत के बाद ही स्थापना हो गई होगी क्या मुगल की, नहीं, वास्तविक रूप से नहीं हुआ है, अभी समझिए चीजों। मैंने आपको बताया था बाबर को बुलाने के लिए, बाबर को बुलाने के लिए यहां पर मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने इनकी सहायता की थी,
और बाबर और इनके बीच में यह बात हुई थी कि बाबर जब इब्राहिम लोदी को दिल्ली पर आक्रमण करके हराएगा, उस समय राणा सांगा जो है आगरा पर आक्रमण करेगा, आगरा पर आक्रमण करेगा। और इनके बीच में यह बात भी हुई थी कि राणा सांगा ने प्रयास किया था कि ये जो बाबर है दिल्ली में जब आएगा तो ये स्थायी रूप से नहीं आएगा, इसने सोचा और ये वापस चले आएगा। परंतु यहां पर बाबर क्या कर गया, उसने कहा कि मैं ही पर स्थायी रूप से रहूंगा दिल्ली में ही। और इसी बात पर राणा सांगा और बाबर के बीच में एक युद्ध होने वाला है। वही युद्ध क्या है, खानवा का युद्ध जो 1527 में आपको देखने मिला। ठीक, चलिए तो देखते हैं खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ खानवा। ठीक, तो यह युद्ध होगा बाबर, बाबर और राणा सांगा के बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच। क्लियर है कि नहीं, बाबर और राणा सांगा के बीच। ठीक, देखिए यहां पर बाबर के सामने भी समस्याएं थी इस युद्ध में, इस वाले युद्ध में विशेष रूप से बाबर के सामने समस्या थी। याद कीजिए सिकंदर को, जैसे मैंने कहानी बताई थी उसकी, कि सिकंदर के सामने भी परेशानी आई थी कि व्यास नदी के पास उसने अपने सेना को आगे ही नहीं बढ़ा पाया, उसकी सेना मन से हार गई थी, शरीर तो थक गया था बट मन से भी हार गई थी। बोल दिए व्यास नदी पार नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे, कुछ भी कर लो। सिकंदर ने भी समझाने का प्रयास किया था, सफल नहीं हो पाया। बाबर के पास भी वही सिचुएशन है, बाबर के सैनिक भी बहुत समय से निकले हैं, युद्ध पे युद्ध, युद्ध पे युद्ध लड़े जा रहे हैं, थक गए हैं। ठीक, पानीपत का भी एक भयंकर युद्ध लड़ा गया है, इसके बाद सैनिकों ने बोल दिया कि नहीं लड़ पाएंगे। ठीक, इसी बीच बाबर ने राणा सांगा, एक हिंदू शासक, बाबर एक मुस्लिम शासक, इसी बीच बाबर ने एक नारा दिया और वो नारा था जिहाद का, जिहाद का। मतलब ये युद्ध जो है, सैनिकों को उसने कहा ये युद्ध जो हम लड़ने जा रहे हैं खानवा का युद्ध, ये काफिरों के खिलाफ है, काफिरों के खिलाफ है। ठीक, और आप अगर इस बार हमारी सहायता करते हैं और इस युद्ध में अगर हमें जीत हासिल होती है तो आप अपने धर्म के प्रति वफादार कहलाएंगे और अपने धर्म को स्थापित करेंगे आप। और जिहाद यानी कि यह युद्ध जो नॉर्मल युद्ध हुआ उसे इसने क्या कर दिया, धर्म युद्ध में बदल दिया। और धर्म युद्ध में बदलते ही इसके सैनिक जो पढ़े अब आगे, तो जो दमखम उन्होंने दिखाया उसके बाद राणा सांगा क्या हो गए, पराजित हो गए और बाबर की जीत हुई। समझ में आ रही बातें भाई, बाबर की जीत हुई और राणा सांगा की हार हुई, राणा सांगा की हार। क्लियर है, समझ में आ रहा है कैसे जीता बाबर। तो बाबर ने, अब हम बोल सकते हैं कि अब बाबर के सामने कोई भी नजर उठा के देखने वाला कोई नहीं बचा है। वो चाचा आलम खां और इन लोग को हटा दो, दौलत खां, ये लोग कोई बड़े ये नहीं है, बड़े राजा के रूप में, एक महान शासक के रूप में राणा सांगा थे इनके सामने। परंतु राणा सांगा भी क्या हो गए, इसमें पराजित हो गए इनके साथ युद्ध में। अब हम कहेंगे कि बाबर ने मुगल वंश की वास्तविक रूप से स्थापना की आफ्टर राणा सांगा बैटल जो हुआ खानवा का, इसके बाद ध्यान समझते जाइए। ये क्या है ना, जब अगर आपको सीजीपीएससी के प्रश्नों में इस प्रकार से घुमा दिया, घुमा देगा कि जो वास्तविक स्थापना हुई थी मुगल वंश की, क्या वो खानवा के युद्ध के बाद हुई, ऐसा जब प्रश्न पूछ देगा तो आपको ये जवाब देते बनना चाहिए। क्योंकि आजकल के प्रश्न थोड़े कूट वाले आपको देखने मिल रहे हैं, ऐसे लाइन वाले दे देंगे आपको। ठीक है, कुछ आपको ऐसे सीक्वेंस सेंटेंस बना दिए जाएंगे जिसमें आप कंफ्यूज हो जाए और छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी गलती हो सकती है। ठीक, कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप कि बाबर को गाजी की उपाधि किस युद्ध के बाद मिली थी। ठीक, प्रश्न मैं पूछते रहूंगा बीच बीच में, आप जवाब देते रहेंगे कमेंट सेक्शन में। सबके कमेंट देखे जाते हैं, याद रखिए सबके कमेंट को ऑब्जर्व किया जाता है और हमारा प्रयास है उसका जवाब भी आपको दिया जाए। ठीक, आप भी जवाब देते रहें, जो अगर जिस क्वेश्चन का जवाब आप नहीं दे पाएंगे उसे हमारे द्वारा दिया जाएगा हर शनिवार लाइव आकर। क्लियर है चीजें,
ठीक, चलिए। तो यहां पर दूसरा युद्ध लड़ा गया, खानवा युद्ध, बैटल ऑफ खानवा। अब हम चलते हैं तीसरे युद्ध में, तीसरे युद्ध में, ठीक। और तीसरा युद्ध होगा उसे हम कहेंगे, एक था आपका कौन सा, पहला पानीपत, दूसरा हो गया खानवा, और तीसरा आपको बैटल देखने मिलेगा उसे हम कहेंगे चंदेरी का युद्ध, बैटल ऑफ चंदेरी, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध अगले ही साल हो जाएगा 1528 में, और 1528 में यहां पर यह लड़ाई होगी बाबर और मेदनी राय के बीच, बाबर और मेदनी राय के बीच। तो बताइए अभी कौन जीतेगा, बाबर ही जीतेगा। कंटिन्यूस चार लड़ाई लड़ता है भारत में आकर, भारत में आकर बोल रहा हूं, भारत के पहले वाला नहीं, भारत में आकर चार लड़ाइयां लड़ता है और चारों में जीत हासिल करता है। मतलब इसमें भी बाबर को जीत हासिल हुई, मेदनी राय इसमें हार गया। अंतिम एक युद्ध देख लेते हैं, और यह है घग्गर का युद्ध। यह युद्ध होगा घग्गर का युद्ध, और घग्गर का युद्ध होगा 1529 में, 1529 में यह युद्ध लड़ा जाएगा बाबर और महमूद लोदी के बीच, महमूद लोदी जो एक अफगान था, अफगानों के बीच, ठीक है, जिसमें बाबर को जीत हासिल हुई, महमूद लोदी हार गया। क्लियर है? इस पर एक प्रश्न यह बनता है, प्रश्न यह बनता है कि वह कौन सा युद्ध था जो जल और थल, वाटर एंड लैंड दोनों जगह लड़ा गया। तो यहां पर जो घग्गर दिख रहा है वो घग्गर नदी है, और कहा जाता है नदी के तट पर जब यह लड़ा गया तो यही कहलाया जल और थल दोनों में लड़ा जाने वाला युद्ध, ठीक। तो यहां पर बाबर के द्वारा चार कंटिन्यूस लड़ाई लड़ी गई, और चारों में इसे जीत हासिल हुई, ठीक, चारों में इसे जीत हासिल हुई, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देख ले, फिर चीजों को बाबर को आगे बढ़ाएंगे, फिर बाबर के बाद हुमायूं की तरफ हम लोग चलेंगे। तो यहां पर देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ, अभी आपने पढ़ लिया, यह युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगला क्वेश्चन है कि कौन से युद्ध में पहली बार तोप का यूज किया गया, तो इसका भी जवाब होगा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक। चलिए अभी हमने जो चार लड़ाइयां पढ़ी, उन चार लड़ाइयों में बताइए कौन सा आपके हिसाब से सही है और कौन सा गलत है। ध्यान से देखिए, बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है, यह आपको बताना है, ठीक। बताइए यहां पर हो जाएगा आपका पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, करेक्ट है। खानवा का युद्ध अगले ही साल 27 में, घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ, चंदेरी जो है 1528 में हुआ, इसीलिए क्या है ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट, गलत है, सही सुले में नहीं। चलिए ठीक, बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी, बताइए बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी कब धारण की इसके बारे में बताइए, ठीक। तो यहां बाबर की अगर बात करें तो पादशाह की पदवी जो है काबुल में जब उसे जीत हासिल होती है उसके बाद वह धारण करता है, तब वह धारण करता है, ठीक। चलिए एक प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, कथने में देखिए बाबर ने बाबर नामा तुर्की में लिखा, और तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी, कौन सा करेक्ट होगा आप पहले बताइए, फिर बाबर की जो बची हुई चीजें मैं
यहां से कनेक्ट करूंगा। पहले आप बताइए कि इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा। देखिए, इसका जवाब बहुत सारे छात्र दे दिए होंगे और जो नहीं दिए होंगे, पहले मैं यहां पर बाबर की कुछ चीजें बता रहा हूं, उसके बाद आप इसका जवाब बता दीजिएगा। क्लियर है? ठीक, चलिए देखिए। यहां पर बाबर की अगर मैं बात करूं, बाबर की अगर बात की जाए तो बाबर ने तुर्की में तुजुक ए बाबरी अपनी आत्मकथा लिखी थी। तुजुक ए बाबरी अपनी आत्मकथा लिखी थी। इसे ही आगे चलकर अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के नवरत्न अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के नवरत्न ने तुजुक ए बाबरी को फारसी भाषा में अनुवाद किया। और फारसी भाषा में अनुवाद करने के पश्चात यह बना बाबरनामा। क्लियर है क्या? तुर्की में तुजुक ए बाबरी और बाद में क्या कहलाया? बाबरनामा कहलाया। क्लियर है चीजें? तो इसको देखने के बाद एक बार आप क्वेश्चन फिर देखिएगा और बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तब तक मैं बाबर की चीजों को कंप्लीट कर लूं। ठीक है, चलिए यहां देखिए। तो बाबर ने क्या लिखा? तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी लिखी और फारसी में क्या किया? बाबरनामा। अब्दुल रहीम खान खाना, आगे चलकर मैं एक बार और बताऊंगा आपको, अब्दुल रहीम खान खाना ने क्या किया? बाबरनामा लिखी। ठीक, इसके अलावा बाबर की मृत्यु, बाबर की मृत्यु अगर बात करें तो बाबर की मृत्यु होती है 1530 में। बाबर की मृत्यु 1530 में होती है और बाबर को आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है। परंतु इसका जो कब्र है बाद में आराम बाग से हटाया जाता है और इसे दफनाया जाता है काबुल में। अब ऐसा क्यों हुआ? कहा जाता है बाबर की अंतिम इच्छा की जानकारी जब बाद में लोगों को हुई तो बाबर की जो कब्र है उसे आगरा से काबुल ट्रांसफर कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया। ठीक, तो इसकी अभी वर्तमान में कब्र कहां मिलेगी आपको? काबुल में। क्लियर है? इस चीज का ध्यान रखिएगा। और बाबर की डेथ कब होगी? 1530 में। यानी मात्र बाबर जो है 4 वर्षों तक शासन कर पाता है और 1530 तक के आते आते इसकी डेथ हो जाती है। ठीक, बाबर के बारे में अगर बात करें तो बाबरनामा में या तुजुक ए बाबरी में इसने विजयनगर साम्राज्य के बारे में भी उल्लेख किया है। विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, दक्षिण के साम्राज्य का उल्लेख किया है क्योंकि ये जब शासन करने आया था उस समय दक्षिण के राज्य भी स्थापित हो रहे थे जिसमें विजयनगर साम्राज्य विशेष रूप से था। ठीक, चलिए चीजों को आगे बढ़ाए। बाबर के बाद अगर हम देखें तो अगला जो शासक है वह है हुमायूं। अगला जो शासक हमें देखने मिलेगा वह है हुमायूं और हुमायूं जो शासन करेगा वह करेगा 1530 से 40 तक। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 30 से 40 तक का समय पढ़ेंगे और उसके बाद 55 से 56 के बारे में भी जानेंगे। चलिए लिख देता हूं फिर भी आपको जानकारी हो। ये 1555 से 56 तक फिर से शासन करता है हुमायूं। ठीक, बाबर के अगर हम देखें तो 4 बेटे हमें मिलते हैं। 4 बेटे, एक बेटा था कामरान, दूसरा था अस्करी, तीसरा हिंदाल, चौथा हुमायूं और
कामरान अस्करी हिंदाल के अलावा सबको क्षेत्र बांट दिया गया। और क्षेत्र बांटने के बाद जो क्षेत्र दिल्ली का जो क्षेत्र मिला वह मिला हुमायूं को, मतलब दिल्ली की सत्ता पर काबिज कौन हुआ? हुमायूं हुआ, ठीक। और हुमायूं के शासन की शुरुआत हुई 1530 से, ठीक। अब देखते हैं हुमायूं के जीवन में क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है और क्यों हुमायूं को दिल्ली की सत्ता से बाहर होना पड़ा, ये भी हम लोग जानते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमको जानना होगा हुमायूं के कुछ अभियानों को, ठीक। तो हुमायूं के अभियानों में हम अगर देखें, हुमायूं के अभियानों की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले इसने आक्रमण किया था कालिंजर पर आक्रमण इसने किया था, अटैक ऑन कालिंजर आक्रमण किया, और यह किया था वर्ष 1531 में। वहीं अगर दूसरे अभियान की बात करें तो दूसरा अभियान है देवराय का युद्ध अगर हम देखें तो यह लड़ा उसने 1532 में, ठीक। इसी 1532 में इसने एक और महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी, 1532 में महत्वपूर्ण लड़ाई, और यह लड़ाई हुई थी चुनार का घेरा। यह हुआ था एक चुनार का घेरा जो होगा 1532 में। अब होता क्या है ये वाला चुनार का घेरा वाला समझिए। चुनार का घेरा मतलब एक चुनार फोर्ट था, चुनार का किला, उत्तर प्रदेश में आपको मिल जाएगा चुनार का किला। चुनार के किले पर उस समय देखरेख के लिए हुमायूं ने शेर शाह सूरी, जो शेर खान के नाम से जाना जाता था, उसे इसने चुनार का घेरा दिया हुआ था देखरेख के लिए। परंतु यहां पर शेर शाह ने गलत फायदा उठाते हुए उस क्षेत्र पर और इस किले पर कब्जा कर लिया, चुनार के किले पर कब्जा कर लिया। अब चुनार के किले को आजाद कराना था और चुनार के किले को आजाद कराने के लिए यहां हुमायूं अपनी सेना लेकर पहुंचा और चुनार पर, चुनार के किले को करीबन इसने 3 से 4 महीने तक इसने घेरा लगा दिया, चुनार के किले को घेर दिया। चुनार का घेरा लगाने के बाद चुनार के किले के अंदर राशन पानी खाना पीना सब चीजें रोक दी गई और अंततः शेर शाह को वापस बाहर आना पड़ा। और बाहर आने के बाद इसने चुनार का किला हुमायूं को सौंप दिया और शेर शाह चला गया बिहार की तरफ। क्लियर है, ठीक है। अभी शेर शाह के बारे में पढ़ेंगे तो जानेंगे उसके बारे में भी, बट अभी इतनी चीजों को ध्यान रखिएगा, चुनार का घेरा बस, ठीक। अब देखिए अगला और इंपॉर्टेंट बैटल या लड़ाई, ठीक। अगली जो लड़ाई होगी उसे हम कहेंगे चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध इसे कहा जाता है बैटल ऑफ चौसा। यह होगा 1539 में और लड़ाई होगी जिसके बीच वह है हुमायूं और शेर शाह के बीच यह युद्ध होगा। अब समझिए यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। यहां पर देखिए अगर आप इतिहास को बहुत तल्लीनता से समझ रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मेरा ये प्रयास है आपको इस टॉप एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से पूरी चीजें और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे ही जाएंगे उसे स्किप ना किया जाए, ताकि आप अगर इस सीरीज को अगर आप पढ़ रहे हैं, इस सीरीज को अगर आप देख रहे हैं, तो आप प्रीलिम्स तो निकालेंगे ही, सीजीपीएससी प्रीलिम्स आपका निकलेगा ही,
इसके अलावा कोई भी अन्य परीक्षा अगर आप देते हैं तो उसके लिए संपूर्ण सिलेबस आपके लिए काम आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। हम तो एक सबसे इंपॉर्टेंट एक बैटल होने वाला है, उसे कह रहे हैं बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा अब होता क्या है उसे समझिए। हुमायूं एक बार बंगाल अभियान में गया होता है, बंगाल अभियान, और बंगाल अभियान में जब जाता है तो उस समय बिहार में बैठा हुआ अफगान शासक शेर शाह सूरी, इसका पूरा नाम था शेर शाह सूरी, सूर साम्राज्य की स्थापना करे गए आगे। तो शेर शाह सूरी जो है, इसकी एक योजना थी, और योजना इस प्रकार सी थी कि जब हुमायूं बंगाल से वापस आ रहा होगा तो इसे हम चौसा के पास घेरेंगे, और चौसा के पास घेर कर इसे इसकी हत्या हम कर देंगे। और ये योजना कहीं ना कहीं सफल होती है, जिसमें हुमायूं जब बंगाल की तरफ से वापस आ रहा होता है अपनी सेना के साथ, तो चौसा के पास कहा जाता है शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में एक युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं को अपनी जान बचाने के लिए पास में बह रही हुई गंगा नदी पर यह कूद जाता है, और नदी में कूद कर यह क्या करता है, अपनी जान बचाता है। जब यह नदी में कूदता है तो नदी में जब कूदने के बाद वहां पर जैसे तैसे अपनी जान बचाने का प्रयास करता है, परंतु नदी के बहाव में यह बह रहा होता है। नदी में एक भिस्ती होता है। भिस्ती बोलने का मतलब जो नाव वाव चलाने का वहां काम करते होंगे, मछली वछली पकड़ने का, नदी के आसपास जो कार्य करते हैं उनको भिस्ती कहा जाता है। पहले के टाइम में अंग्रेजों के समय में भिस्ती की जानकारी मिलती है कि यह भिस्ती जो है नाव के कुछ खोल वोल बनाते थे, चमड़े के बना के नाव बनाकर ये एक जगह से दूसरी जगह जाने का काम करते थे, ये भिस्ती कहलाता है। तो कहा जाता है कि निजाम नाम का एक भिस्ती था, उसने हुमायूं की जीवन की रक्षा की, और उसी भिस्ती को हुमायूं ने एक दिन का राजा बनाया था। याद रखिएगा, एक बार ये प्रश्न आ चुका है, हुमायूं ने एक भिस्ती को एक दिन का राजा बनाया, एक दिन का राजा बनाया, और भिस्ती भी बड़ा कमाल का था। एक दिन का राजा बना, समझिए बात को, है ना, एक दिन का राजा बना, और एक दिन का राजा बनकर इसने एक चमड़े का सिक्का भी चालू कर दिया था। एक दिन का राजा बना था, नायक पिक्चर का हीरो था ये, नायक पिक्चर का हीरो जैसे एक दिन का चीफ मिनिस्टर बना था सीएम, वैसे ही ये भी है ना, एक दिन का राजा बना, चमड़े वमड़े काम करता था, तो बोला कि नहीं मैं अपने राज में क्या कर दूंगा, एक चमड़े का सिक्का चला देता हूं, कम से कम मेरे को याद रखेंगे लोग। ठीक, तो ये सब घटना कब हुई है, चौसा के युद्ध के बाद। चौसा के युद्ध के बाद क्या हुआ, भिस्ती ने हुमायूं की जीवन की रक्षा की, और उसी भिस्ती को क्या बनाया गया, एक दिन का राजा बनाया गया, एक दिन के भिस्ती ने चमड़े का सिक्का चलाया। समझ में आई बातें। अब यहां पर क्या हुआ, हुमायूं ने जैसे तैसे अपना जीवन बचाया और वापस अपने क्षेत्र में भाग कर गया। ठीक, यानी बैटल ऑफ चौसा में अगर मैं बात करूं तो इसमें शेर शाह की जीत होगी और हुमायूं हार जाएगा। अब देखिए, शेर शाह यह मौका नहीं गंवाना चाहता था। शेर शाह भी नहीं बोला कि अगला हम लोग तुरंत दूसरा आक्रमण कर देते हैं, हुमायूं अभी कमजोर है, क्योंकि इसके जो भाई हैं कामरान अस्करी हिंदाल, कोई भी इसकी सहायता नहीं कर रहा है, चलो आक्रमण कर दे। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर अगला ही लड़ाई हमें देखने मिलता है चौसा के बाद, जिसे हम कहते हैं कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, बैटल ऑफ बिलग्राम। ठीक है, ये कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होगा 1540 में, और ये युद्ध होगा हुमायूं और शेर शाह के बीच, हुमायूं और शेर शाह के बीच, और इस युद्ध में हुमायूं पराजित हो जाएगा और फिर से जीत हासिल होगी शेर शाह को। इस बार अब शेर शाह ने आगरा की सत्ता, दिल्ली की सत्ता पर कर लिया, और कब्जा करने के पश्चात यहां हुमायूं को अपना जो शासन है इसे छोड़कर जाना पड़ा। ठीक,
जब यह शासन अपना छोड़कर जा रहा था हुमायूं, एक निर्वासित जीवन, सत्ता इसके पास है नहीं, और ये जब जा रहा था तो जाते समय 1541 में 1541 में इसने विवाह किया, और विवाह हुआ हमीदा बानो बेगम के साथ। हमीदा बानो बेगम इसकी पत्नी, ठीक। 1541 में इसने क्या किया, विवाह किया। विवाह के पश्चात अगले ही वर्ष यह गर्भवती होने के कारण हमीदा बानो बेगम को अपने मित्र वीर साल के यहां छोड़कर चला जाता है, और वहीं वीर साल के यहां 1542 में अकबर का जन्म होता है। क्लियर है, याद रखिएगा। अब यहां से क्या है, हुमायूं ने निर्वासित जीवन चालू कर दिया, मतलब मैंने आपको बताया था 1540 को सत्ता से बाहर हो जाएगा, ठीक, और अब इस सत्ता से बाहर हो चुका है, यानी 1540 से 55 तक ये पूरा का पूरा सत्ता से बाहर रहने वाला है हुमायूं, और जाएगा कहां, ईरान की तरफ। ईरान ही जाता है, ईरान जाएगा, और ईरान जाकर अपने सैन्य सत्ता, सैनिकों को फिर बनाकर लेके आएगा, सैन्य व्यवस्था स्ट्रांग करेगा, और फिर से वापस आएगा, फिर दिल्ली की सत्ता पर, आगरा की सत्ता पर यह काबिज होगा। समझ में आ रही इतनी बातें? तो यह वाला जो था हुमायूं का प्रथम कार्यकाल था, प्रथम कार्यकाल। अब हम लोग बढ़ेंगे शेरशाह की तरफ, उससे पहले कुछ प्रश्न ले लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे, ठीक। अगला है, अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, ठीक। याद रखिएगा, अयोध्या में जो आप राम मंदिर अभी वर्तमान में देख रहे हैं, वहां पर एक बाबरी मस्जिद हुआ करती थी, उसका निर्माण बाबर के समय में, बाबर ने नहीं किया था, बाबर के समय में मीर बाकी ने किया था, मीर बाकी, ठीक है। बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने किया था। अगला देखिए, हुमायूं के भाइयों में किसका नाम नहीं था, मैंने आपको बताया कामरान उसके भाई का नाम है, अस्करी भाई का नाम है, हिंदाल भाई का नाम है, उस्मान किसी भाई का नाम नहीं था। उस्मान, कामरान, अस्करी, हिंदाल, हुमायूं, चार भाई, आगरा की सत्ता, दिल्ली की सत्ता हुमायूं को भी, ठीक। अगला देखिए, यहां पर पूछा है हुमायूं द्वारा चार युद्ध लड़े गए, उसे क्रम में जमाइए। ध्यान से देखिए, पूरा चीजें बता दिया हूं, एक दो युद्ध बचे होंगे तो उसे कनेक्ट कर लेंगे। पहले बताइए कि हुमायूं द्वारा लड़े गए चार युद्ध कौन कौन से हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, कौन सा करेक्ट है बताइए, ठीक। तो इसमें करेक्ट जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। मैंने बताया था आपको देवरा का युद्ध पहले लड़ा जाएगा, फिर चौसा का लड़ा गया, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, और चौथा जो होगा सरहिंद। सरहिंद अभी मैं बताना बचा है, सरहिंद पढ़ेंगे हम लोग, तो सरहिंद जो है उसका चौथा युद्ध था। सरहिंद जब लड़ा जाएगा तब वो वापस आएगा, अभी सत्ता से वो बाहर हुआ है, तो सत्ता बाहर होने से पहले देवरा, चौसा और कन्नौज का युद्ध लड़ा गया है। अगला बताइए, चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया हुमायूं ने, चुनार दुर्ग, अभी आपको मैंने बताया चुनार दुर्ग पर अटैक कब हुआ था, ठीक। तो चुनार दुर्ग पर अटैक हुआ था, आक्रमण हुआ था 1532। इसे मोस्टली आपको चुनार घेरा के नाम से पूछता है, क्योंकि वहां पर हुमायूं ने बहुत समय तक घेरा किया था, घेर लिया था, ठीक। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण किया, ठीक। तो यहां पर आपका पूछना चाह रहा है किस राजा के बारे में पूछ रहा है और मकबरे के बारे में पूछ रहा है, आप बताइए ध्यान से, ठीक है। शाह बेगम, हाजी बेगम, मुमताज महल बेगम या नूरुन निसा बेगम ने, क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए, कमेंट सेक्शन में बताते रहेंगे आप, जितने भी छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, प्रयास कीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के कुछ जवाब भी देते रहें, और वो छात्र निराश ना हो जो जवाब नहीं दे पा रहे, क्योंकि आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई हमने आपको क्वेश्चन दे दिया आप क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको साथ ही साथ संपूर्ण सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, ये भी हमारा वादा है और हम उसको पूरा कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन तो आप करें ही और सिलेबस भी कर ले,
और आपकी जो आप इस समय दे रहे हैं, एक घंटा डेढ़ घंटा या दो घंटे का जो समय आप दे रहे हैं, उस समय का संपूर्ण उपयोग किया जाए और आपको आगे चलकर किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो बताइए इसका जवाब क्या होगा, फिर हम लोग चीजों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, इसका जवाब क्या होगा, सभी बच्चे बताएंगे आंसर क्या होगा इसका। देखिए यहां पर बात की गई है हाजी बेगम की, यह बात की गई है हाजी बेगम की। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं की याद में हुमायूं का मकबरा बनवाया। ठीक, क्या आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ये बताइए कि हुमायूं टॉम कहां है। बहुत ही खूबसूरत है हुमायूं टॉम। और आगे चलकर हम लोग यही कहेंगे कि जो ताजमहल बनेगा उसका पुरोगामी यही हुमायूं का मकबरा होगा, पुरोगामी। यानी जो ताजमहल का जो डिजाइन जो आप देखते हैं वो कहीं ना कहीं हुमायूं के मकबरे जैसा आपको नजर आएगा। बहुत खूबसूरत मकबरा है। कभी आप दिल्ली आपका जाना होता है, दिल्ली कभी घूम के आइए, आपको पूरा मुगल कालीन इतिहास, दिल्ली सल्तनत, मध्यकालीन भारत, आपको दिल्ली घूमने से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इतिहास पढ़ रहे हैं तो जरूरी ये भी है, आप समझ रहे हैं अच्छी बात है, चित्रों के माध्यम से आप देख भी लेंगे, परंतु कभी आप जाकर देखिए कि उस समय के लोगों ने किस प्रकार की वास्तुकला और शिल्पकला का डेवलपमेंट किया, विकास किया, उसे आप देखिए। ठीक है, तब आप देखेंगे चीजों को स्पर्श करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हाँ भाई, आज के समय में वैसी चीजों को, वैसी इमारतों का, स्मारकों का बनाना बहुत मुश्किल है। ठीक, चलिए क्लियर। देखिए ये प्रश्न देखिए, शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया, शुद्ध चांदी के रुपये का आविष्कार किसने किया। तो चांदी का रुपया और ये रुपया शब्द को लाने वाला था, बताइए कौन है, अकबर, शेरशाह, जहांगीर और औरंगजेब। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा शेरशाह। रुपया शब्द लाने वाला शेरशाह ही था, जो आगे चलकर अंग्रेजों ने भी इसे अपना लिया था। ठीक, तो अब शेरशाह का नाम आ गया है, यानी अब हमको जानना है शेरशाह के बारे में, थोड़ी एक बेसिक जानकारी लेते हैं, क्योंकि 30 से 40 तक का जो शासन था, 1530 से 40 तक का शासन यह चला हुमायूं का। अभी हुमायूं कहां हो गए, निर्वासित हो गया है, ईरान की तरफ चला गया है। आप अभी थोड़ा देर के लिए उसे साइड करें। 40 से 55 के बीच को समझते हैं कि 40 से 55 के बीच में कौन आया। ठीक है, किसका शासन। ठीक, तो इस बीच जो शासन करने आ रहा है उसका नाम है शेरशाह। शेरशाह, ये शेरशाह जो है यह एक सूर साम्राज्य की स्थापना करेगा। सूर साम्राज्य की स्थापना करेगा। और यह जो सूर साम्राज्य है यह चलेगा 1540 से लेकर 1555 तक, और मात्र 15 साल के शासन के बाद यह समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इस सूर साम्राज्य को हम द्वितीय अफगान साम्राज्य भी कहेंगे। द्वितीय अफगान साम्राज्य भी कहेंगे। समझ में आ रही बात भाई, है ना, क्या कहेंगे, सेकंड अफगान साम्राज्य, द्वितीय अफगान साम्राज्य भी इसे कहेंगे। क्लियर हो रही इतनी सारी बातें। ठीक, यही एक प्रश्न आपके लिए कि प्रथम अफगान साम्राज्य किसे कहा जाएगा। मैंने बताया था पिछले क्लास में, जो बच्चे प्रॉपर जुड़े हुए हैं और चीजों को समझ रहे हैं उनको यह जवाब मिल जाएगा। पिछले क्लास में प्रॉपर मैंने बताया था पहला अफगान किंगडम या साम्राज्य कौन सा था। ठीक है, और दूसरा इसे क्यों कहा जा रहा है यह भी आपको समझ। ठीक, चलिए ठीक, शेरशाह की अगर मैं बात करूं तो शेरशाह का वास्तविक नाम, रियल नाम फरीद खान था। फरीद खान, ठीक, और कहा जाता है कि बचपन में इसने एक शेर से लड़ाई करते हुए शेर को पराजित कर दिया था, और शेर को हराने के कारण इसका नाम आगे चलकर पड़ा
शेर खान नाम पड़ा, शेर खान नाम पड़ा, ठीक। और यह भी कहा जाता है कि इसका जो शेर खान नाम दिया गया वह बहार खान लोहानी, इसके जो गुरु थे उन्होंने दिया था, बहार खान लोहानी ने दिया, ठीक। अब आप बोलोगे सर ये शेर शाह कैसे पड़ा नाम, ध्यान समझिए, फरीद खान रियल नाम है, शेर खान शेर मारने के कारण, और जब बैटल ऑफ चौसा, चौसा का युद्ध, याद रखिएगा प्रश्न पूछा हुआ है, ध्यान दीजिए लाइन को, जब बैटल ऑफ चौसा जब हुआ, चौसा का युद्ध जब हुआ, उस चौसा के युद्ध के पश्चात एक महान राजा, मुगल वंश के महान राजा हुमायूं को इसने हराया, तब इसे शेर शाह का उपाधि या टाइटल मिला। तो शेर शाह की उपाधि या शेर शाह जो नाम है या इसे मिला चौसा के युद्ध के पश्चात, चौसा के युद्ध के पश्चात यह नाम मिला। गलती ये मत करना, कि कन्नौज और बिलराम के बाद लगा, चौसा पहली बार में तो यहां हरा दिया था ना हुमायूं को, चौसा बिलराम में हरा दिया, उसी के बाद ये शेरशाह टाइटल मिल गया, और उसके बाद ये कहलाने लगा शेरशाह सूरी, ठीक। अगली कुछ इंपॉर्टेंट और बात कर लें, इसने अपने समय में तांबे का दाम और चांदी का रुपया चलाया, जिसे आपने प्रश्न में देखा, चांदी का रुपया चलाया, और अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए, बिजनेसमैन के लिए इन्होंने एक लंबी सड़क बनाई, जो कहा जाता है बंगाल से पेशावर तक थी, और इस सड़क को कहा गया सड़क ए आजम। और बाद में अंग्रेजों का जब समय आया तब यही सड़क ए आजम नए नाम से कहलाया, और वह नया नाम था ग्रैंड ट्रंक रोड, या आप लोग जानते होंगे इसे जीटी रोड के नाम से। कोई बता सकता है कमेंट सेक्शन में कि जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड जो है यह नाम किस अंग्रेज ने दिया था, ठीक। पहले यह नाम क्या था, सड़क ए आजम, और बाद में जीटी रोड के नाम से कहलाया। तो प्रश्न में आपको डायरेक्ट यही पूछ लेता है कि जीटी रोड किसने बनाया, तो जीटी रोड के बारे में बोलेगा तब आपको शेरशाह ही लगाना होगा, क्योंकि सड़क ए आजम था, उसका नाम बस परिवर्तित हुआ था ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से। क्लियर है, इतनी चीजों को ध्यान रखेंगे आप, ठीक। इसके अलावा हम देखें तो शेर शाह ने दिल्ली में एक पुराने किले का निर्माण कराया था, पुराना किला, ओल्ड फोर्ट, दिल्ली में यमुना के किनारे पुराना किला का निर्माण इसने किया था, ठीक। दिल्ली में पुराने किले के किनारे, यमुना के किनारे पुराने किले का निर्माण कराया। क्लियर इतनी चीजें, ठीक। कमेंट सेक्शन में जो जवाब दे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मुझे पता है, ठीक है, भले ये रिकॉर्डेड आप देख रहे हैं बट मुझे पता है कि बहुत सारी चर्चाएं वहां आपकी चलते रहती है, कईयों के मुगल वंश वहां आ गए होंगे, कईयों के दिल्ली सल्तनत वहां चल रही होगी, तो एक जवाब दे दीजिए वहां पर, जिसको मैं आगे अभी कंटिन्यू करूंगा। आप बताएंगे कि इसे दफनाया कहां गया था, जब इसकी शेरशाह की मृत्यु होगी तो इसे दफनाया कहां गया था, उसे आप बताइए कमेंट सेक्शन में, तब तक, ठीक है, तब तक हम लोग भी वहां तक पहुंच जाते हैं। जिनको पता है वो बता दीजिए, जिनको नहीं पता है वो साथ साथ जुड़े रहिए। देखिए, अब अगर हम बात करें, शेरशाह ने अपने समय में कुछ अभियान किए, इसने भी कुछ अभियान किए थे, महत्वपूर्ण अभियान, एक तो अभियान हुमायूं के समय में हम लोग पढ़ लिए कि चौसा और कन्नौज का, जिसमें हुमायूं को दोनों बार हराया। अब देखते हैं इधर कि जब 1540 में जब यह शासन में आता है, सत्ता में आता है,
तो कैसे और कौन से इसने महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे? तो सबसे पहले हमको जानकारी मिलती है, इसने एक रायसेन पर आक्रमण किया था, रायसेन पर आक्रमण किया था ठीक। और रायसेन में इसने एक राजा पूरनमल को पराजित किया था, डिफिटेड पूरनमल। क्लियर है? यह जो आक्रमण हुआ था यह हुआ था 1543 में, इसे भी ध्यान रखिए, 1543 में। अब समझिए ये वाला जो अटैक है या युद्ध है इसके बारे में क्या पूछेगा। शेरशाह इतना बहादुर राजा होने के पश्चात भी, बावजूद भी, इसके जीवन में कौन सा आक्रमण, कौन सा युद्ध कलंक के रूप में जाना जाता है, कलंक के रूप में? तो आप बताएंगे यही रायसेन का आक्रमण है जो इसके जीवन में कलंक के रूप में जाना गया, कलंक, ठीक है। कलंक के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसने इस पूरनमल राजा को धोखे से मारा था, क्योंकि रायसेन को शेरशाह जीत नहीं पा रहा था, तो जीतने के लिए इसने क्या किया, धोखे का सहारा लिया और धोखे से इसकी हत्या कर दी, इसलिए कलंक के रूप में जाना जाता है यह युद्ध, ठीक। चलो अगला है राजस्थान का मारवाड़ अभियान। और राजस्थान का मारवाड़ अभियान होगा वर्ष 1544 में, और मारवाड़ में उस समय शासक थे मालव देव। ठीक, देखिए यहां पर आक्रमण करेगा शेरशाह मारवाड़ में, राजस्थान की भूमि पर यह जाता है और इस युद्ध में यह मालव देव को पराजित कर देता है। मालव देव को पराजित करने से पहले यहां पे इसे बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, बहुत मेहनत करता है, करीबन 3-4 महीने कंटिन्यूस लगा रहा तभी जाकर यह जीत पाया। और यहां पर आप बताएंगे ऐसे दो वीर कौन थे जो इस युद्ध में मारे गए थे, मालव देव के अलावा, जिनको थोड़ा भी कुछ जानकारी हो तो बताएंगे। यहां पर दो वीर कौन थे जो इस युद्ध में मारे गए थे और आज भी राजस्थान में उनकी वीरताओं की गाथाएं सुनाई जाती हैं, गाई जाती हैं, गीतों में उनके नाम आते हैं, आप बताएंगे, क्लियर है, कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए यहां पर बता, तो मारवाड़ में इसको बहुत मेहनत करनी पड़ी, एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा और जब इसने बहुत मेहनत के बाद जब मारवाड़ को जीता, तो मारवाड़ को जीतने के बाद एक लाइन, एक पंक्ति कहेगा कि मैंने एक मुट्ठी बाजरे के लिए, ध्यान समझना, ये क्वेश्चन के रूप में आपको देगा पंक्ति और पूछेगा कब इसने ये लाइन कही, तो मैंने एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैंने पूरी हिंदुस्तान की सत्ता गंवा दी। लाइन समझ में? मैंने एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की सत्ता गंवा दी। यह लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब यह था कि राजस्थान में जब गया तो मारवाड़ को जीतने के लिए इसने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया, बहुत मेहनत किया, परंतु हाथ क्या लगा, बाजरा, क्योंकि वहां ज्यादा धन धान्य दौलत नहीं थी और राजस्थान में होना क्या है, बाजरा होना, तो इसके हाथ क्या लगा, बाजरा। तो इसने बोला इतना ही मेहनत में अगर मारवाड़ की जगह पूरे हिंदुस्तान में अगर लगा देता तो मैं पूरा हिंदुस्तान जीत जाता। ये बात कहें ठीक है, एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैंने पूरे हिंदुस्तान की सत्ता गंवा दी, ठीक, ये लाइन याद रखिएगा, ठीक। और दो वीर का नाम बताओगे भाई, कमेंट सेक्शन में हम बताएंगे, है ना, दोनों कौन कौन वीर थे जो यहां युद्ध में मारे गए थे। मैं आगे बढ़ता हूं। अगला जो है कालिंजर का युद्ध 1545, ठीक है। राजा था यहां पर कीरत सिंह, ठीक। अब कालिंजर के युद्ध में कालिंजर के किले को जीतने के लिए
शेर शाह पहुंच गया, अपनी पूरी सेना वेना लगा दिया, और सेना लगाने के बाद इसने किले पर लगातार तोप का प्रयोग करना चालू किया। अच्छा, एक बात, एक मजेदार बात ध्यान रखिए, ये कालिंजर पर अटैक करने का ऐसा इसका कोई मन नहीं था कि कालिंजर पर मैं आक्रमण करूं, परंतु ये राजाओं वाले कुछ शौक इसको लग गए, है ना, राजाओं वाले शौक। और राजाओं वाले शौक क्या, महिला, नित्यांगना, नर्तकी, इनके पीछे भागना चालू कर दिया। और कहा जाता है कि यहां आक्रमण किया था उसने एक नर्तकी के लिए, नर्तकी के लिए, ठीक है, और नर्तकी के पीछे इतना पागल था कि ये पूरे अपनी सेना लेकर पहुंच गया कालिंजर पर, और लगातार जो कालिंजर का जो किला है वहां तोप से तोप से आक्रमण करवा रहा है, तोप के गोले चलवा रहे हैं, ठीक। अब किले को अगर हम देखें तो किला कहां होता है, ऊपर, और ये लोग कहां थे, नीचे, तोप का गोला चलवा रहे, ठीक। इसी बीच एक तोप का गोला क्या होता है, वहां से वापस आ जाता है, और ये बेचारा मस्त सोया था, अपने सैनिक लोग लगे हुए हैं, भाई तोप का गोला चला रहे हैं, थोड़े टाइम बाद किला टूट जाएगा, फिर मैं जाऊंगा और नर्तकी का नृत्य देखूंगा, ऐसा सोचा रहा हूं। हुआ क्या, जहां यह सोया हुआ था उसके बाद में ही, जस्ट बगल में ही, पूरे बारूद का एक ढेर था। एक तो तोप का गोला ऊपर जाने के बजाय पीछे आ गया, और पीछे आ गया तो कहां फटा, वो उस बारूद के पास, और बारूद में जैसी आग लगी वैसे ही ये सोया हुआ इंसान शेरशाह पूरा का पूरा सो गया, मतलब क्या हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। मतलब यही वाला जो अभियान है, कालिंजर का अभियान, कालिंजर का युद्ध, इसका अंतिम अभियान रहा, और यही शेरशाह की मृत्यु हो गई, शेरशाह की मृत्यु, शेरशाह की डेथ हो गई, मृत्यु। क्लियर है, कालिंजर के अभियान के पश्चात शेरशाह की डेथ हो गई, ठीक है। उम्मीद करता हूं जो चीजें मैं बता रहा हूं, जो कहानियां आपको बता रहा हूं, अच्छी लग रही होंगी। अच्छी लगने के साथ साथ आप ध्यान दीजिए, आपको पेपर निकालना है, पेपर, वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये चीजें तो बताने का उद्देश्य है ताकि थोड़ा आपको चीजें समझ में आती जाए और याद भी होती जाए, समझने के साथ ही चीजें याद भी हो जाती हैं, और याद होंगी तो ज्यादा बेटर रहेंगे और लंबे समय तक आपको चीजें याद रहेंगी, ठीक है। और कभी परीक्षा में ये प्रश्न अगर आप बना ले तो मुझे उससे ज्यादा खुशी कभी नहीं होगी, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है कि ये एमसीक्यू सीरीज जो हम चला रहे हैं उसके माध्यम से आपको संपूर्ण सिलेबस कराएं, और संपूर्ण सिलेबस कराते हुए आपको परीक्षा के उस पड़ाव को पार कराएं जो आप देना चाहते हैं। चलिए, तो यहां क्या हो गया, शेरशाह की डेथ हो गई। अभी भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बचा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको पूछा था शेरशाह की मृत्यु होने के बाद इसे कहां दफनाया गया, ठीक। तो यह पहला एक ऐसा मकबरा आपको देखने मिलेगा शेरशाह का, ठीक है, जिसे जल में, जल के अंदर बनाया गया, जल के अंदर, ठीक है। इस शेरशाह का जो मकबरा है, ठीक है, शेरशाह का मकबरा यह बना है सासाराम बिहार में, बिहार का था तो बिहार में मकबरा बना, तो शेरशाह का मकबरा बना कहां, बिहार में। और इसी बिहार में सासाराम में हम देखते हैं कि यह पहला एक ऐसा स्थापत्य कला का विशेष एक नमूना है जो हम कहते हैं कि जल के अंदर आपको देखने मिलता है, पानी में, जल के अंदर बनाया गया। ऐसे तो मकबरा नॉर्मल होना चाहिए, बट इसी का मकबरा, पहला एक ऐसा राजा, ऐसा शासक जिसका मकबरा आपको जल के अंदर देखने मिला, ठीक। तो यहां पर क्या हुआ, शेरशाह, शेरशाह के बारे में हमने बातें कर ली, और शेरशाह के बाद सूर साम्राज्य में अब कोई इंपॉर्टेंट शासक नहीं बने। 1540 से 45 तक इसने शासन किया, 45 से 55 के बीच अयोग्य शासकों का क्रम चलेगा, इस्लाम शाह,
ये सब उसके पुत्र आएंगे आगे चलकर, जितने भी शासक आएंगे सब कमजोर हैं, ठीक है। इसलिए उसको उसके बारे में जानकारी रखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब जो इसकी मृत्यु के पश्चात हमको देखने मिलेंगे कि जो ईरान में बैठा हुआ हुमायूं जो है अपनी सेना तैयार कर लिया है और यह इंतजार ही कर रहा था कि कब शेरशाह यहां से हटे और मैं एंटर करूं, प्रवेश करूं दिल्ली में, ठीक है। तो अब दिल्ली में प्रवेश करने का समय आ गया है हुमायूं का, तो पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं फिर हुमायूं को लाएंगे, ठीक। देखिए, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। बताइए किसके बारे में कहा गया था, अभी मैंने आपको बताया किसके बारे में यह कमेंट है, यह कमेंट किसके बारे में है, है ना। सब बताएंगे भाई, है ना, अभी आप पढ़ लिए हैं चीजें, मैंने बता दी हैं, मैं चाहूंगा आप इसका जवाब दे, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, कहानी हमारी आगे बढ़ रही है, ठीक। जैसे जैसे क्वेश्चन मैं आगे बढ़ा रहा हूं तथ्य भी आपको बताते चल रहा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा शेरशाह, शेरशाह ने मारवाड़ अभियान में ये पंक्ति कही थी। चलिए एक और प्रश्न, बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाने वाली रोड किसने बनवाई, तो इसका भी आंसर मुझे नहीं लगता कोई बता नहीं सकता, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक। कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक, बताइए। चलिए ठीक, अभी आप जो पढ़ रहे हैं, जो छात्र अभी अगर आप जुड़े हैं तो उनको मैं बता देना चाहूं, आप मुगल वंश के बारे में पढ़ रहे हैं, मुगल वंश की शुरुआत हमने कर दी है प्रश्नों के साथ, और प्रश्नों के साथ जितने भी तथ्य फैक्ट यहां पर बनते हैं उसे भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। पहला राजा जो हमने पढ़ लिया है वह है बाबर, बाबर के बाद अगला हुमायूं के बारे में हमने जाना, हुमायूं के बाद हमने देखा एक शासक के बारे में वहां था शेरशाह, सूर साम्राज्य को भी हमने देख लिया, और सूर साम्राज्य से आगे बढ़कर है ना फिर से हम हुमायूं को वापस लाने वाले हैं, ठीक। इतनी चीजों को ध्यान रखिए, सड़क आजम बनवाई थी किसने, शेरशाह ने, शेरशाह, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर का हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी में बिठाया गया था, ठीक है। यानी हुमायूं के बाद अगला जो हमारे पास इंतजार में है वो कौन है, अकबर, अकबर, ठीक है। तो पहले मैं इसका जवाब दे दूं, फिर हम लोग जानेंगे अकबर कैसे राज सिंहासन पर बैठेगा और कैसे उसका शासन होगा, उसको भी देख लेंगे, ठीक। तो यहां पर आएगा आपका, अकबर को हुमायूं की मृत्यु के पश्चात सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बिठाया गया, उसका आंसर होगा कालानौर, कालानौर यहां पर आंसर होगा, क्लियर है। देख लेते हैं चीजों को आगे बढ़ाए हम लोग, ठीक। कालानौर में इसका राज्यभिषेक हुआ था अकबर का। अब देखो, जैसे मैंने बताया कि हुमायूं जो है, हुमायूं थोड़े देर में आप भूल गए होंगे तो मैं वापस लेकर आऊं हुमायूं को, तो 1530 से 1540 तक ये रहेगा, फिर आपको देखने मिलेगा हुमायूं 1555 से 1556 तक, दो टाइमलाइन मैंने आपको बताई थी, दूसरी वाली टाइमलाइन को देख लेते हैं, ठीक। देखिए, हुमायूं सत्ता में बाहर होने के पश्चात यह वापस आएगा एक युद्ध लड़कर, देखिए चौसा और कन्नौज से बाहर हुआ, वैसे ही दो युद्ध लड़कर यह वापस भी आएगा। इसमें एक युद्ध है मच्छीवाड़ा का युद्ध, एक युद्ध है मच्छीवाड़ा का युद्ध, और यह मच्छीवाड़ा का युद्ध होगा 1555 ईस्वी में। मच्छीवाड़ा का युद्ध जो हो रहा है वह होगा हुमायूं और नसीब खां और तातार खां के बीच, नसीब खां और तातार खां।
खां के बीच, जिसमें हुमायूं को जीत हासिल हो जाएगी। ठीक, पहली लड़ाई कौन सी? मच्छीवाड़ा का युद्ध। देखिए क्लासेस लंबी हो सकती हैं, परंतु आप देखिए एक बार में हम लोग बहुत सारी चीजें भी कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इस प्रकार जुड़े हुए एक बार चीजों को देख लेते हैं, और जो पढ़े हुए छात्र हैं वो भी अगर देख लेते हैं, तो उनकी बहुत सारी चीजें रिवाइज हो जाती है। और जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए तो और अच्छी बात है कि वो प्रॉपर चीजों को देख रहे हैं और अपने सिलेबस को कवर कर रहे हैं। ठीक, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, है ना, ऐसा नहीं कि भाई थोड़ा देखे समझ भी नहीं आया तो आप क्लास छोड़कर चले गए, है ना। आप थोड़ा बने रहिए, धीरे धीरे आप जैसे जैसे लिंकअप बनते जाएगा, जो छात्र जैसे शुरू से जुड़े हुए हैं, मैं हमेशा विजिट करता हूँ कि प्रॉपर वो क्लास अटेंड कर रहे हैं, और जो मैं नए छात्र अगर कभी बीच में अगर आप देख रहे हैं क्लास से जब भी जुड़ रहे हैं, तो कोशिश कीजिए पूरी चीज़ों को देखिए। थोड़ा सा देखकर आप अनुमान नहीं लगा सकते कि चीज़ें कहाँ तक हुई हैं, कहाँ तक हमको समझना है, क्या जानना है। ठीक, चलिए, तो अगला है मच्छीवाड़ा के बाद, मच्छीवाड़ा के बाद अगला युद्ध होगा जिसे हम कहेंगे सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध, और यह सरहिंद का युद्ध होगा 1555 में। दोनों युद्ध उसी साल होंगे। ठीक है, सरहिंद का युद्ध, क्लियर है, सरहिंद का युद्ध 1555 में। ठीक, इस सरहिंद के युद्ध में फिर से हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच यह युद्ध लड़ा जाएगा। और इसी युद्ध के पश्चात, ठीक है, हुमायूं के इसी युद्ध के पश्चात हुमायूं वापस अपनी सत्ता में आएगा, यानी हुमायूं को जीत हासिल होगी, सिकंदर सूर हार जाएगा। ठीक है, एक लाइन बोल रहा हूं, बिल्कुल ध्यान देना। चौसा और कन्नौज के बाद हुमायूं बाहर गया, और मच्छीवाड़ा और सरहिंद के बाद हुमायूं वापस आया। दो युद्ध में बाहर हुआ, दो युद्ध में वापस आया। ठीक है, चलिए, अब हुमायूं जब सत्ता में आता है, तो सत्ता में आने के बाद 1556 में ही सत्ता में बैठे उसे ज्यादा समय नहीं होता, और यह अपने दीनपनाह महल, इसका एक महल होता है दीनपनाह महल, उस महल की पुस्तकालय में, कोई पुस्तकालय का अगर नाम बताएगा कमेंट सेक्शन में तो अच्छी बात है, बताइए कमेंट सेक्शन में, तो वह अपने पुस्तकालय लाइब्रेरी में जाता है, और उस लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरते हुए इसकी डेथ हो जाती है। क्या बताया मैंने, वह लाइब्रेरी में पुस्तकालय में जाता है और पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरते हुए इसकी मृत्यु हो जाती, समझिए। ठीक, 1556 में आया, सत्ता में बैठा ही था, पुस्तक पढ़ने के इसे बहुत अच्छा शौक था। कहा तो यह भी जाता है कि ये लड़ाइयों में जब जाता था, लड़ाइयों में युद्ध करने जब जाता था, तो युद्ध में ये अपनी पूरी पुस्तकों को लेकर जाता था, पढ़ने के भारी शौकीन है ना। देख रहे हो, वो राजा है, दिन भर बिजी रहता है, युद्ध भी लड़ने गया, युद्ध में लड़ने के बाद जब उसे रात को समय मिलता तब पढ़ता था। यहां तो बोलो दिन भर खाली बैठा है छात्र, वो उतना नहीं पढ़ता भाई, है ना। ठीक है, घर में है, जहां पर भी हो आप, अगर हॉस्टल में है, ठीक, घर से बाहर रहकर पढ़ रहे हैं, तो आपका हर एक समय कीमती, और जो घर में रह रहे हैं उनको विशेष रूप से चेता दूंगा, है ना। घर में रह रहे हैं तो उस चीज का आप फायदा उठाइए, फायदा बाहर घूमने में नहीं, घर में पढ़ने में, घर को ही अपनी लाइब्रेरी बना लीजिए। ठीक, घर में इतना एकांत रखिए ताकि आप जो भी चीजें पढ़ें वो आपको चीजें याद हो जाए, थोड़े डिस्टर्बेंस को दूर रखिए। एक अपना एक प्रॉपर टेबल और चेयर आपके पास होना चाहिए जहां पर आप बैठकर ध्यान से पढ़ सकें। ठीक, या वीडियो भी अगर आप देख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि कहीं पर सोए हैं, सवेरे 8 बजे क्लास लगती है सर की, चलो थोड़ा बहुत ऐसे ही देख लेते हैं,
दो मिनट चलाए उसके बाद बंद कर दिए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर बैठिए कहीं पर भी, ऑनलाइन माध्यम से पढ़ रहे हो, ऑफलाइन माध्यम से पढ़ रहे हो, ठीक है। मैंने तो ये भी देखा है छात्रों को पढ़ते हुए ऑनलाइन में कि भाई एक छात्र एक मोबाइल रखता था, क्योंकि भाई हॉस्टल में क्या होता है छात्रों के पास थोड़ा पैसे की कमी होती है, तो पैसों के अभाव में कई बार छात्र एक मोबाइल रखते हैं और एक ही मोबाइल में डेटा रिचार्ज करवाते हैं, ठीक है, और उसी एक मोबाइल से बेचारे दो तीन छात्र मिलकर पढ़ते हैं, ये भी देखने को मिला है। परंतु मैं देखा हूं कि बहुत सारे जो घर में रह रहे स्टूडेंट्स होते हैं थोड़े लापरवाही कर देते हैं, तो ऐसी लापरवाही कृपया ना करें। आपके पास अगर पैसे हैं तो उस पैसे का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र भी हैं जिनके पास पैसे नहीं है, ठीक है, परंतु वो करना चाहते हैं, और उन्हीं छात्रों के लिए तो हम ये ऑनलाइन माध्यम से ये चीजें पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन माध्यम चुनने का, जो ऑनलाइन माध्यम से हम लोग पढ़ा रहे हैं वो इसीलिए पढ़ा रहे हैं ताकि जो सुदूर क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं उनको हमारी कक्षाओं का लाभ मिल सके और वो भी CGPSC क्रैक करके अपने मन चाहे पद पर पहुंचे। चलिए, अब यहां पर मैंने बताया कि हुमायूं जो है लाइब्रेरी में पुस्तकालय से गिरते हुए उसकी डेथ हो गई, और डेथ होने के पश्चात लेनपुल ने, ठीक, डेथ होने के पश्चात लेनपुल ने एक लाइन कही हुमायूं के लिए, लेनपुल ने एक लाइन कही कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा जीवन भर लड़खड़ाता रहा, और इसकी मृत्यु भी लड़खड़ाते हुए हो गई, इसकी मृत्यु भी लड़खड़ाते हुए हुई, ठीक। अब ऐसा लाइन में क्यों बोला, समझिए बात को। आप देख रहे थे हुमायूं जब से 1530 से सत्ता में बैठा, एक दिन चैन से नहीं बैठ पाया, 31, 32, 39, 40 लड़ाई लड़ता रहा, सत्ता से बाहर हो गया, जीवन एकदम संघर्ष भरा रहा, वापस आया फिर युद्ध लड़ा, 56 में जैसे ही सोचा कि अब आराम से सत्ता का भोग करूंगा, उसी समय इसकी लाइब्रेरी में डेथ हो गई, पुस्तकालय में डेथ हो गई। इसीलिए लेनपुर बोलता है कि यह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और डेथ भी, इसकी मृत्यु भी लड़खड़ाते हुए हो गई। यह लेनपुर का कमेंट था हुमायूं के ऊपर, और हुमायूं का अर्थ भी आप अगर जानेंगे तो आपको हंसी आएगी। हुमायूं का अर्थ ही होता है भाग्यवान, बट इससे बड़ा अभागा कोई नहीं था मुगल वंश में, सबसे अभागा यही था, इसके भाग्य में न सत्ता ही न कुछ है, ठीक, इसकी डेथ हो गई। चलिए, अब हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अगले जिस शासक को हमको पढ़ना है जानना है वह है अकबर, जलालुद्दीन अकबर, ठीक है। अकबर की हम बात करें तो अकबर का जो शासन रहेगा 1556 से यह शासन करेगा, और 56 से लेकर 1605 तक इसका शासन चलेगा, अकबर का, जलालुद्दीन अकबर, ठीक है। अकबर बहुत महत्वपूर्ण है मुगल वंश में, मुगल वंश में सबसे ज्यादा जिसके बारे में जानना होता है वह अकबर के बारे में ही है, ठीक। अकबर से हमेशा आपको एक प्रश्न देखने को मिलते हैं, अकबर, ठीक, चालू करते हैं थोड़ी देर में। चलिए देखें, अकबर की अगर हम बात करें, अकबर, तो अकबर का जो राज्य अभिषेक, अच्छा, जन्म के बारे में बताया था कि नहीं बताया था, पहले जन्म के बारे में बता देता हूं, ठीक है, बहुत सारे छात्रों को जन्म के बारे में जानकारी नहीं होगी, बीच में मैंने हुमायूं के टाइम में बताया था, हुमायूं जब निर्वासी जीवन जी रहा था तब उसके बारे में मैंने बताया था, ठीक। अकबर का जो जन्म होता है वह होता है 15 अक्टूबर
1542 को, ठीक है। कहाँ होता है जन्म, जन्म स्थान के बारे में याद रखिएगा, कौन सा प्लेस था जहां पे जन्म हुआ था। तो यह जन्म हुआ था इसका अमरकोट में, अमरकोट के राजा वीरसाल के घर। क्योंकि जब हुमायूं ईरान की तरफ गया था तब उसने अकबर को अपने मित्र अमरकोट के राजा वीरसाल के यहां छोड़ कर गया था, ठीक, ध्यान है। तो 1542 में अकबर का जन्म हुआ और अकबर का राज्याभिषेक, अकबर का राज्य अभिषेक कालानौर पंजाब में होगा, कालानौर में होगा, अकबर का राज्य अभिषेक कालानौर में होगा। क्लियर है इतने पॉइंट, ठीक। चलो अब देखिए, 1542 में जन्म, 1556 में अकबर राजगद्दी में बैठ गया। समय कैलकुलेशन देखिए, 14 साल की एज में राजगद्दी से मिली है, 14 साल की, 14 वर्ष की उम्र में है राजा बन रहा है, 14 वर्ष की। और 14 वर्ष में अगर मैं देखूं तो ये कोई एक्चुअल एज नहीं है राजा बनने की। तो हुमायूं ने उस समय इन चीजों को समझते हुए अपने एक वफादार बैरम खां को कहा था कि अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो शुरुआती जो जीवन है अकबर का, अकबर के बड़े होते तक कम से कम, आप इसका ध्यान रखिएगा। तो शुरुआती जो अकबर का जीवन था, अकबर का जीवन, उसे कहा जाता है बैरम खान का संरक्षण काल, बैरम खान का संरक्षण काल, जो लगभग आपको 1556 से लेकर 60 तक देखने को मिलेगा, 1556 से 60 तक, 4 वर्ष तक बैरम खान का संरक्षण काल था, ठीक। इसी बैरम खान के संरक्षण में अकबर अपना प्रथम युद्ध लड़ेगा, अकबर अपने समय में पहला लड़ाई लड़ेगा जिसे हम कहेंगे पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, ठीक है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का द्वितीय युद्ध, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हम कहेंगे, ठीक। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो होगा यह होगा वर्ष 1556 में। और लड़ाई किसके किसके बीच होती, देखिए लड़ाई होती है अकबर और हेमू के बीच, लड़ाई होती है अकबर और हेमू के बीच, जिसमें हेमू पराजित हो जाता है। हेमू क्या होता है, हेमू जो है पराजित हो जाता है, अकबर और हेमू के बीच में लड़ाई होती है, ठीक। तो ये नॉर्मल प्रश्न, अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ। ये है आपकी आम जिंदगी, मेंटॉस वाली जिंदगी, है ना, इसी बोलते हैं ना भाई, आम जिंदगी में यही प्रश्न नॉर्मल हर कोई पढ़ के जाता है कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर एंड हेमू के बीच। अब प्रश्न कभी घुमाएगा तो क्या घुमा सकता है और क्या चीजें संभावित है उसे समझिए। यहां देखिए, जो अकबर है बालक है, छोटा सा बालक है, 14 साल का लड़का है, क्या ये 14 साल का लड़का कोई युद्ध को लड़ेगा क्या, नहीं लड़ेगा। तो अब बताइए ये युद्ध अकबर की तरफ से किसने लड़ा था, तो यह लड़ा था बैरम खान ने। तो अकबर की तरफ से बैरम खान एक्चुअल में युद्ध लड़ा था, परंतु बैरम खान क्या है, एक सेनापति है, एक छोटा सैनिक है, सेनापति।
तो इसका नाम ना लेकर राजा का नाम लेते हैं, तो राजा का नाम क्या है? अकबर है। ठीक, वैसे ही अगर हेमू की बात करें, हेमू राजा नहीं है, हेमू को भेजा गया था। और किसके द्वारा भेजा गया? तो भेजा गया था आदिल शाह के द्वारा, आदिल शाह के द्वारा भेजा गया। समझ में आ रही बातें? तो यहां पर एक्चुअल में लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, ठीक है, बट बैरम खां जो है वास्तविक रूप से गया कौन? बैरम खां गया था हेमू से लड़ने। ठीक, अकबर तो भाई अभी क्या है ना, साइकिल चलाने का उम्र है, अभी साइकिल चलाना सीख रहा है, इसको हाथी घोड़ा में बैठा के ले जाते होंगे और हाथी घोड़ा में बैठा के वहां ले जा खड़ा कर देते होंगे, ले भाई देख हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, उसको देख ले आगे चलकर सीखने काम आएगा। क्योंकि हुमायूं बोल के गया बैरम खां को, सिखाना भैया इसको लड़ाई वड़ाई करना, है ना, लड़ाई करना सिखाना, युद्ध कौशल में पारंगत करना, राजा बनेगा तभी तो आगे चलेगी भाई, है ना। तो ये सब जिम्मेदारी बैरम खां के हाथ में है और बैरम खां भी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे। चलिए अब देखिए, ये हो गया बैरम खां का संरक्षण काल। अब देखिए अकबर की अगर बात करें शुरुआती जीवन में, बैरम खां के साथ रहा, परंतु यहां पर उसकी एक धायमा होती है, धायमा जिसका नाम होता महामंगा, महामंगा। क्योंकि अगर अकबर के जन्म को देखें तो 1542 में जब जन्म हुआ तो इनकी माता हमीदा बानो बेगम के साथ रहा, साथ ही साथ महामंगा जो इसकी देखरेख करती थी उनके साथ ही रहा। ठीक है, यानी महिलाओं का थोड़ा प्रभाव अकबर के ऊपर अच्छा खासा था। तो यही जो महिला है महामंगा, ये अकबर को भड़काती थी बैरम खां के खिलाफ, और बैरम खां के खिलाफ ये भड़काने का कार्य बार 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 किया करती थी। और हुआ यही कि एक बार अकबर ने बैरम खां को बुलाया और बैरम खां को बोला कि आपके बारे में बहुत सारी सूचनाएं मेरे पास आ रही कि आप जो हैं शासन प्रशासन में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं, ठीक है, और आप मुझे राजा के रूप में नहीं स्वीकारना चाहते, ऐसी कुछ जानकारी मुझे मिल गई। तो यहां पर बैरम खां को यह बात सुनकर उसके दिल में बहुत बड़ी ठेस पहुंची कि तुमको यहां पर मैंने पानीपत का बैटल दिलाया, तुम्हारे पिता को भी मैंने सत्ता दिलाई, और आज तुम्हारे ऊपर ही प्रश्न सवाल कर रहे हैं। तो यहां पर अकबर ने बोला कि भाई ऐसा करते हैं हम लोग एक सॉल्यूशन निकालते हैं, है ना, ना तेरा ना मेरा वाला हिसाब, आप क्या करो मैं आपको एक छोटे से क्षेत्र का कहीं पर पंजाब पंजाब कहीं क्षेत्र का सूबेदार बना देता हूं, या तो दूसरा चॉइस ये ले लो कि आप हज यात्रा में चले जाओ। तो यहां पर बैरम खां बोला मैं अपने आत्मसम्मान को गिरवी नहीं रखूंगा मार, है ना, आत्मसम्मान को गिरवी नहीं रखूंगा, मैं सूबेदार, छोटा सा क्या सूबेदार, मैं दिल्ली की पूरी सत्ता को आपको दे दिया हूं तो मैं छोटा सूबेदार क्या बने रहूंगा। तो ये बोलते हुए वो चला गया हज यात्रा पर, और हज यात्रा में जाते समय कहा जाता है इसे कुछ अफगानों के द्वारा मार दिया गया और 1560 के आसपास बैरम खां की भी डेथ हो जाती है। ठीक, तो बैरम खां का जो समय काल था 1556 से 60 तक का ही था और उसकी उसके बाद डेथ हो जाती। बैरम खां के संरक्षण काल के बाद हमने देख रहे थे कि भाई जो पर्दा शासन है, पर्दा शासन, पर्दा शासन की शुरुआत होती है और यह पर्दा शासन रहेगा 1560 से 62 तक। यहां पर जो पर्दा शासन का युग था या पर्दा युग था, उसका कहने का मतलब यह है कि अभी जो चलेगा वह होगा महिलाओं का युग या महिलाओं का प्रभाव में अकबर रहेगा। इस समय अकबर सबसे ज्यादा महिलाओं के प्रभाव में रहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इसके जीवन की शुरुआत हुई थी तब से इनके पिता इनके साथ नहीं थे, इनकी माता और धायमा ही इनकी देखरेख की थी। तो ये दो वर्षों तक जो इनकी धायमा है महामंगा, इनका ये प्रयास था कि उनका बेटा अगला राजा बन जाए, और अगला राजा बनाने के लिए वो भरसक प्रयास में लगी हुई थी। और ये 2 साल तक बिल्कुल अकबर को सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया गया, और यही महामंगा है जिसने अकबर को कभी शिक्षित होने नहीं दिया और अकबर अनपढ़ ही रहा। परंतु अनपढ़ होने के बावजूद भी हम लोग देखेंगे कि कैसे अकबर आगे चलकर महान बनता है,
महान शासक के रूप में जाना जाता है, वो भी हमको देखने मिलेगा। ठीक, तो 2 वर्ष तक का समय जो है अकबर जो है महिलाओं के प्रभाव में रहेगा। अब देखिए अकबर महान बनता कैसे, अपने कार्यों से। तो ऐसे कौन कौन से कार्य अकबर ने किए थे उसे हम लोग समझ लें। उसके पहले मैं आपको बता देना चाहूं 1562 में 1562 ईस्वी में 1562 ईस्वी में अकबर ने आमेर पर, राजस्थान में स्थित आमेर या आम्बेर दोनों नाम है, प्रेजेंट टाइम में आमेर कहा जाता है, आमेर फोर्ट पर आक्रमण किया। तो 1562 में अकबर ने आमेर पर आक्रमण किया और आमेर के जो राजा थे राजा भारमेल उन्हें हरा दिया, डिफीट कर दिया, पराजित कर दिया। और भारमेल को हराने के पश्चात उनकी बेटी जिसका नाम हमें मिलता है जोधाबाई या कई बार कहा जाता है ये हरकाबाई थी, हरकाबाई या जोधाबाई से यह विवाह करता है, जोधाबाई या हरकाबाई से यह विवाह करता है, भारमेल की पुत्री हरकाबाई। क्लियर है? ठीक। अब जोधाबाई से विवाह होने के पश्चात ठीक अकबर अब महान बनेगा। ठीक, क्योंकि भाई एक पढ़ी लिखी महिला का घर में आना, घर में प्रवेश करना कितना महत्वपूर्ण होता है अब आपको समझना है। ठीक, क्योंकि अकबर तो उतना पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, परंतु ये जोधाबाई जो है पढ़ी लिखी है। इसके आने के पश्चात ही आप देखेंगे कि जो महिलाओं का प्रभाव चल रहा था या पर्दा शासन का युग चल रहा था, महामंगा के प्रभाव में जो अकबर था वो शासन खत्म हो जाता है। अब कहीं ना कहीं एक अच्छे प्रशासक के रूप में कार्य करने को प्रेरित करेंगी जोधाबाई और अकबर अब अच्छे अच्छे कार्य करना चालू करेगा। और यहीं से आपको प्रश्न बनता है, यहीं से बिल्कुल प्रश्न बनेगा। तो देखते हैं अकबर के कार्यों के बारे में। अकबर सबसे पहला कार्य 1562 में करेगा वह है दास प्रथा, स्लेव सिस्टम, दास प्रथा को एबॉलिश करेगा, समाप्त करेगा, दास प्रथा को एबॉलिश करेगा, समाप्त करेगा। अगला 1563 में पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा पर लगने वाले कर को, तीर्थ यात्रा पर लगने वाले कर को समाप्त करेगा। तीर्थ यात्रा पर जो कर लिया जाता था, तीर्थ यात्रा पर जो टैक्स लगाया जाता था उसे यह समाप्त करेगा, तीर्थ यात्रा पर लगने वाला कर समाप्त होगा 1563 में। अगला है 1564 में इसने जजिया कर समाप्त किया, जजिया कर को समाप्त किया। ठीक, तो यहां पर 3 चीजें देखिए ध्यान से, 1562 में यह दास प्रथा को समाप्त कर रहा है। ठीक, अगला जो है तीर्थ यात्रा, क्योंकि हिंदू जो है तीर्थ यात्रा पर जाते थे तो उनसे टैक्स वसूला जाता था, उसे टैक्स सिस्टम को खत्म किया। इसके अलावा 1564 में जजिया कर जो गैर मुसलमानों से जो वसूला जाने वाला टैक्स था, याद होगा मोहम्मद बिन कासिम के समय से जो चालू हुआ था, इस टैक्स को इसने खत्म किया। तो 3 इंपॉर्टेंट काम किए, स्लेव सिस्टम खत्म किया, पिलग्रिमेज टैक्स होता था उसे खत्म किया, जजिया टैक्स, जजिया कर इसे भी समाप्त इसने कर दिया। क्लियर है इतनी बातें? ठीक, तो यहां पर अकबर ने 3 महत्वपूर्ण कार्य किए। अब इसके अलावा और क्या हमें देखने को मिलता है उसे देखिए। अकबर ने आगे चलकर फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाई। तो अकबर ने 1571 में फतेहपुर सीकरी
को अपनी राजधानी बनाई, कैपिटल। ठीक, ध्यान रखिएगा, अभी अकबर जो शासन कर रहा था आगरा से कर रहा था, आगरा से जस्ट 2-3 घंटे की डिस्टेंस में ठीक पड़ेगा फतेहपुर सीकरी। यानी कि आप ऐसा मत सोचिए कि फतेहपुर सीकरी मैंने बोल दिया तो कोई राजस्थान में तो नहीं है या मध्य प्रदेश में तो नहीं है, ऐसा नहीं, उत्तर प्रदेश में ही आगरा के नजदीक फतेहपुर सीकरी को इसने क्या बनाई, राजधानी बनाई। देखिए अगला इंपॉर्टेंट, फतेहपुर सीकरी में ही 1575 ईस्वी में इसने इबादत खाने का निर्माण कराया। इबादत खाना का निर्माण हुआ, ठीक, इबादत खाने का इसने निर्माण कराया। इबादत खाना क्या होता है, सिंपल शब्दों में पूजा घर, या जहां पे इस्लाम धर्म के अनुयायी जो हैं, फॉलोअर्स जो हैं, आते थे और पूजा करते थे, प्रेयर, प्रार्थना, ठीक, उसे ही कहा गया इबादत खाना। अब यहां पर मैंने बोला इस्लाम, इस्लाम केवल इस्लाम धर्म के लोग यहां पर प्रवेश कर सकते थे, ठीक। शुरुआती दौर में तो यही चीजें रखी गई थी इबादत खाने के लिए, परंतु अकबर सहिष्णु था, क्योंकि जोधाबाई जो है इन्हें, जोधाबाई क्या हिंदू है, अकबर मुसलमान है, तो यहां पर जोधाबाई के प्रभाव के कारण यहां पर हमको देखने मिला कि इसने आगे चलकर यह इबादत खाना, यह इबादत खाना 1578 में सभी धर्मों के लिए, सभी धर्मों के लिए ओपन कर दिया, ठीक है, सभी धर्मों के लिए ओपन कर दिया, ओपन फॉर ऑल रिलीजन, मतलब अब जो है केवल मुस्लिम नहीं, हिंदू भी, इवन जैन भी यहां पर प्रवेश कर सकते हैं, आ सकते हैं इबादत खाने में। इसका उद्देश्य अकबर का यह दिखता है कि इबादत खाने में जब सभी धर्म के लोग आएंगे तो उनमें एक अच्छी चर्चा होगी, और एक अच्छी चर्चा होने से कुछ अच्छा निष्कर्ष निकल कर आएगा, यह अकबर की सोच थी। परंतु इबादत खाने में यहां पर देखने मिला कि सभी धर्म के लोग जब आए तो उनमें विवाद होने लगा, और इसी विवाद को सुलझाने के लिए अकबर ने अगले ही साल 1579 में, अकबर ने अगले ही साल 1579 में मजहर की घोषणा की, मजहर की घोषणा की, मजहर की घोषणा, और मजहर की घोषणा करते हुए अकबर कहता है कि कभी भी इस इबादत खाने में, सभी धर्म के लोग आए हैं इबादत खाने में, कभी भी अगर धर्मों में विवाद होता है, धर्म के बीच में कोई विवाद होता है, तो सभी धर्मों के बीच जो फैसला या निर्णय लेगा वह निर्णय लेने का अधिकार अकबर के पास रहेगा। यानी अकबर ने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ वहां पर घोषित किया कि मैं ही यहां पर निर्णय लूंगा। बस उसने एक बात कही कि मैं जो कुरान है, कुरान, उस पर कोई निर्णय नहीं लूंगा, यह बात उसने कही। बाकी सभी धर्मों के लिए उसने निर्णय लेने की बात कही, जिसे कहा गया मजहर, मजहर। ठीक, कोई कमेंट सेक्शन में यहां पर बता सकता है कि अकबर के दरबार में कोई जैन मुनि रहा करते थे, जैन धर्म से कोई बिलोंग करता था, वो रहता था, बताइए कमेंट सेक्शन में। और सिख धर्म से कौन इसके दरबार में रहता था, इसके बारे में कुछ जानकारी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, बताइए, आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक, चलिए अभी हम कहां गए, 1579 में मजहर की इसने घोषणा की। आगे चलकर जब इबादत खाने से, जैसे मैंने बताया कि यहां पर जब चर्चाएं होंगी तो एक नए धर्म का यहां पर अकबर ने शुरुआत किया, और वह नया धर्म कहलाया, 1582 में इसने नए धर्म की शुरुआत की, वो नया धर्म था दीन ए इलाही, दीन ए इलाही, दीन ए इलाही। ये दीन ए इलाही जो है, इसमें इसने सभी धर्मों को, सभी धर्मों को इसमें एंटर करवाया, प्रवेश करवाया, और कहा कि दीन ए इलाही किसी विशेष धर्म के लिए नहीं है, और इसमें सभी धर्म के लोग आ सकते हैं।
दीन इलाही। इसके अलावा इसने हिजरी संवत को बंद करके उसके स्थान पर एक इलाही संवत की शुरुआत की। इलाही संवत की शुरुआत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 82 दीन इलाही बहुत बार प्रश्न बना है, 83 इलाही संवत। तो एक बार रिकॉल करवा दूं आपको, ईयर वाइज चीजें चल रही हैं, ऐसे ही याद कर लेना। चलिए बोलिए मेरे साथ, है ना। सबसे पहले 1562 में क्या हुआ? दास प्रथा का अंत हुआ। 1563 में क्या हुआ? तीर्थ यात्रा कर का अंत हुआ। 1564 में क्या हुआ? जजिया कर का अंत हुआ। और आगे चलकर 1571 में जब फतेहपुर सिकरी राजधानी बनी तो 1575 में क्या हुआ? इबादत खाने का निर्माण हुआ। 1568 में क्या हुआ? सभी धर्मों का प्रवेश करवाया गया। 1579 में क्या हुआ? यहां पर जब सभी धर्म के लोग आ गए तो यहां पर मजहर की घोषणा हुई। 82 में क्या हुआ? दीन इलाही एक नए धर्म की शुरुआत हुई। 83 में क्या हुआ? इलाही संवत की शुरुआत हुई। क्लियर है क्या इतनी सारी बातें आपको? ठीक, जहां तक मुझे लग रहा है बहुत चीजें अच्छे से बताई जा रही हैं, और अकबर को विशेष रूप से बताया जा रहा है क्योंकि अकबर से ही प्रश्न आते हैं। ठीक है, एक बार हुमायूं से प्रश्न ना बने बट अकबर से प्रश्न बनते हैं, क्योंकि अकबर को द ग्रेट कहा जाता है, महान कहा जाता है। महान क्यों कहा जाता है उसे ही हम जान रहे हैं। चलिए अब इसके बाद हमको देखने मिलता है कि अकबर ने कुछ प्रमुख लड़ाइयां की थी, युद्ध किए थे। उसमें एक जो अभियान था वह था गढ़ कटंगा अभियान। एग्जाम में पूछा जा चुका है गढ़ कटंगा अभियान। इस गढ़ कटंगा को हम कहेंगे गोंडवाना अभियान भी। क्या कहेंगे? गोंडवाना अभियान भी कहेंगे, गढ़ कटंगा अभियान या गोंडवाना अभियान। यह अभियान की अगर मैं बात करूं तो यह अभियान करता है 1564 में। 1564 में अभियान होता है और इस अभियान में एक बहादुर महिला इस युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होती है, जिनका नाम है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती, तो रानी दुर्गावती जो है इस युद्ध में पराजित होती है और इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, दूसरा अकबर का इंपॉर्टेंट जो अभियान है वह अभियान था चित्तौड़। क्लियर है? और सबसे इंपॉर्टेंट बैटल जो अकबर के समय में लड़ी गई, सबसे महत्वपूर्ण, वह है हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ठीक, इस बैटल ऑफ हल्दी घाटी को अगर हम देखें तो यह होगा वर्ष 1576 में, 1576 में यह बैटल हुआ और यह लड़ाई लड़ी गई थी अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। महाराणा प्रताप के बीच इस लड़ाई में, अकबर और महाराणा प्रताप की लड़ाई में, महाराणा प्रताप जब पराजित हो रहे थे, हार रहे थे, तो उस समय अकबर ने इस क्षेत्र पर, चित्तौड़ के क्षेत्र पर, मेवाड़ के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और महाराणा प्रताप उस समय जंगलों में चले गए। जंगलों में बहुत समय तक इन्होंने अकबर को, महाराणा प्रताप ने अकबर को गुरिल्ला युद्ध से परेशान किया और वहीं जंगलों में रहते हुए आगे चलकर महाराणा प्रताप की भी डेथ हो गई। ठीक, क्लियर है यहां तक चीजें? तो बस आपको युद्ध के बारे में इतना ही याद रखना है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ, जिसमें अकबर को जीत हासिल हुई। ठीक, परंतु अकबर को इस चीज का मलाल हमेशा रहा कि वह कभी महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाए, महाराणा प्रताप उनके हाथ कभी नहीं लगे। ठीक,
कभी उनके हाथ नहीं आ पाए। और चित्तौड़ को भी अगर उन्होंने अगर जीतने की बात कही, किले पर कब्जा किया, बट जब तक राजा उनके हाथ नहीं लगेगा वह जीत जीत नहीं कहलाएगी। इसीलिए कई बार इतिहासकार कहते हैं कि मेवाड़ एक ऐसा क्षेत्र था जिसे किसी ने जीत नहीं पाया, कोई भी उस पर विजय नहीं पा पाया, ये बात कहते हैं इतिहासकार। ठीक है, चलिए ये हो गया अकबर के कुछ अभियान। अब अकबर के बारे में जो हमको जानना है सबसे इंपॉर्टेंट वो है अकबर के नवरत्न, उसे देख लेते हैं, वही सबसे इंपॉर्टेंट आपका बचा है। तो अकबर के नवरत्न को हम देखें। अकबर के नवरत्न, नवरत्न या नाइन जेम्स, क्लियर है, अकबर के नवरत्न। सबसे पहला नाम मैं लिख देता हूं यहां पर, बीरबल। अकबर का नाम कभी भी आया तो आप लोग भी बोलेंगे सर पहला नवरत्न बीरबल। बीरबल का अगर रियल नाम हम देखें तो रियल नाम बीरबल नहीं था, महेश दास था, महेश दास। और ये बीरबल जो है, बीरबल जो है दीन ए इलाही अपनाने वाला पहला व्यक्ति था, याद रखना दीन ए इलाही अपनाने वाला पहला यही था, फर्स्ट पर्सन जिसने दीन इलाही को फॉलो किया था, फॉलो किया था। ठीक, अगला देख लेते हैं हम लोग, तानसेन। तानसेन, तानसेन क्या था, एक संगीतज्ञ था, एक संगीतज्ञ था। इसके अलावा कहां का रहने वाला था, तो ग्वालियर का रहने वाला था, ग्वालियर का रहने वाला था तानसेन। और तानसेन के वास्तविक नाम को, रियल नाम को हमेशा से पूछा गया है, और उसका रियल नाम था रामतनु पांडे। रामतनु पांडे नाम याद रखेंगे, रामतनु पांडे। ठीक, अगला देखते हैं, अगला है अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना क्या था, एक ट्रांसलेटर का कार्य करता था, अनुवादक था ये, अनुवादक। ये बैरम खान का बेटा था जिसे अकबर ने गोद लिया था, बैरम खान का बेटा था। और इसने एक पुस्तक अनुवाद की थी, वह थी बाबरनामा, बाबर नामा। बाबर नामा जो है फारसी में लिखी गई, याद रखिए बाबर जो है अपनी आत्मकथा तुर्की में लिख कर गया था, और फारसी में अनुवाद करने का कार्य अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था, अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। क्लियर इतनी चीजें, ठीक, अब्दुल रहीम खान खाना। आगे हम देखें अब्दुल रहीम खान खाना के बाद अबुल फजल, अबुल फजल। अबुल फजल की भी अगर बात करें तो अबुल फजल भी क्या है, अनुवादक है, ट्रांसलेटर है। ठीक, कुछ पुस्तकें इसने भी लिखी है। इसके अलावा ये अबुल फजल जो है इसे दीन इलाही का पुरोहित कहा गया। दीन इलाही का क्या था, ये दीन ए इलाही का पुरोहित था। दीन ए इलाही का पुरोहित। इसके अलावा अबुल फजल ने दीन इलाही का पुरोहित और अन्य जो इसके कार्य हैं अबुल फजल के, इसने लिखा था अकबरनामा। अकबर नामा या आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि अकबर नामा, ये अकबर नामा जो है कितने भाग में
बटा हुआ है, कितने भाग में विभाजित है, पूछा हुआ प्रश्न है, अकबरनामा कितने भाग में है, इसको आप बताइए। ठीक, अगला नवरत्न हम लोग ले लेते हैं, फैजी। फैजी, फैजी भी एक अनुवादक था जिसने लीलावती, गणित की एक पुस्तक लीलावती का फारसी अनुवाद किया था, लीलावती का, लीलावती का। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हमें मिलेगा एक अगला नवरत्न, वह है मानसिंह। मानसिंह, मानसी जो है मनसबदार था, आगे हम लोग पढ़ेंगे मनसबदार। ठीक है, एक सैन्य अधिकारी के रूप में कार्य करता था, सैन्य अधिकारी था। ठीक, मानसी, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे, मानसी कौन है मैं बताऊंगा, है ना, वेट कीजिए थोड़ा। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है टोडरमल। इंपॉर्टेंट व्यक्ति है टोडरमल, और टोडरमल क्या है, वित्त विभाग का कार्य देखता है, वित्त विभाग, वित्त विभाग, फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री है, और इस टोडरमल के द्वारा एक सिस्टम चालू किया जाएगा जिसे कहा जाता है आइन ए, आइन ए दहशाला, आइन ए दहशाला, एक नया सिस्टम आइन ए दहशाला। समझिए क्या होता है इस आइन ए दहशाला में, आइन ए दहशाला टोडरमल के द्वारा एक ऐसी नीति बनाई गई थी, ऐसी नीति बनाई गई थी जिसमें कोई भी किसान, जैसे अगर किसानों की जो भी आय होती हो, पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे, पांचवे, छठवे, सातवें, आठवें, नौवें और दसवें वर्ष, ठीक, किसान की उत्पादन, किसान की उत्पादन से होने वाली आय, होने वाली आय का 10 साल का औसत निकाला जाता था, 10 साल की औसत आय, 10 साल की औसत आय का 1/3 हिस्सा कर के रूप में वसूला जाता था, जिसे आइन ए दहशाला कहा गया। क्लियर है, आइन ए दहशाला क्या बताया मैंने, 10 साल तक औसत उत्पादन, 10 साल के उत्पादन के औसत होने वाली आय का 1/3 हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था, यह होता था आइन ए दहशाला। आइन ए दहशाला ऐसा एक सिस्टम, 10 साल का ऐसा औसत निकालकर 1/3 लेने का यह तरीका इसलिए अपनाया गया क्योंकि हर वर्ष अगर देखें तो किसानों का उत्पादन एक समान नहीं रहता, कभी फसल अच्छी हो गई, कभी अकाल पड़ गया, कभी सूखा पड़ गया, इस प्रकार की परिस्थिति में कई बार किसान नहीं दे पाते टैक्स, कर नहीं दे पाते थे। इस कारण से टोडरमल ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था निकाली जिसमें कहा उसने कि 10 साल का हम लोग क्या देख लेते, औसत देख लेते, और एवरेज का हम लोग 1/3 क्या ले लेंगे, टैक्स के रूप में ले लेंगे। यही टोडरमल की व्यवस्था थी। ठीक, चलिए इसके अलावा हम देखें तो आठवें नंबर पर है मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा की अगर बात करें तो ये खाने में दो प्याज खाता था और कुछ नहीं करता था, कहा जाता था हंसी मजाक करने का दरबार में काम करता था, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट इसका काम नहीं है। और अगला है मुल्ला दो प्याजा के अलावा हकीम, हुकाम, हकीम हुकाम, क्लियर है, हकीम हुकाम कहा जाता है, एक बावर्ची था। ठीक, क्लियर, इतनी चीजें। तो ये हैं अकबर के नवरत्न, अकबर के नवरत्न याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। तो यहां तक हमने अकबर से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे उसको देख लिए, अब कुछ प्रश्न है उसे हल कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आज के सेशन को एंड करेंगे। ठीक, और अकबर के बाद की बची हुई चीजों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उससे पहले हम लोग कुछ प्रश्न हल कर लेते हैं। ठीक,
हल्दीघाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था, बताइए। राजपूतों में फूट डालना, मानसिंह की भावना को संतुष्ट करना, साम्राज्यवादी नीति को यह करना, ठीक। तो यहां पर राणा प्रताप को अपने अधीन करना, वो चाहते थे कि राणा प्रताप को मैं अपने अंडर रखूं, अधीन रखूं, परंतु वो कभी ऐसा नहीं कर पाया। उसका मकसद पूरा नहीं हो पाया, मकसद तो था बट मकसद कभी पूरा नहीं हो पाया था। अगला प्रश्न है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों से जिसे स्थापित किए वो कौन थे, ठीक। बुंदेलों से, कछवाहों से, राठौरों से, सिसोदिया से, क्या होगा बताइए, क्या होगा इसका आंसर। मैंने बताया था जोधाबाई अकबर से इनका एक विवाह हुआ था, उसी से संबंधित यह प्रश्न आपको देखने मिल रहा, बताइए, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कछवाहों से। कछवाहों से जो आपके आमेर के राजा थे भार में, वो कछवाहा थे, ठीक। अकबर का शासन जाना जाता है क्षेत्र को जीतने के लिए, क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपने प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए, धार्मिक कट्टरता के लिए, बताइए किस लिए अकबर का शासन जाना जाता था, ठीक है। कौन से पॉइंट आपको लगते हैं अकबर से संबंधित करेक्ट हैं, क्लियर है। तो क्षेत्र को जीतने के लिए अकबर ने बहुत सारे युद्ध लड़े, प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी थी, न्यायिक प्रशासन भी बहुत अच्छा था, क्या नहीं था, धार्मिक कट्टरता नहीं थी, धार्मिक कट्टरता नहीं थी, सहिष्णु था, मैंने बताया था, टॉलरेंस बहुत था, सभी धर्मों का सम्मान ही करता था, ठीक है। तो 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी, ठीक। इसके अलावा कुछ प्रश्न मैं आपको होमवर्क में दे दे रहा हूं, जिसके जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक। प्रश्न देख लीजिए, ठीक। तो यहां पे बताएंगे, पहला जो क्वेश्चन दिख रहा है, तानसेन रामबली पांडे को मुगल सम्राट अकबर द्वारा पदवी दी गई थी, अकबर का विवाह राजा मानसिंह की बहन के साथ हुआ था, अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक थे, राजा टोटल मल की कबीर अकबर की सेना के प्रधान सेनापति, ठीक है। इसे थोड़ा ये कर लेते हैं, देखिए ध्यान से, ठीक है, कथन को ध्यान से पढ़िए और बताइए, ठीक, इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए, ठीक। इसको आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है, एक प्रश्न मैं आपको और दूंगा जिसका जवाब देना है, इसका प्रश्न का भी आप जवाब देंगे, ठीक है, ध्यान से देख लिए। चलिए लास्ट हमारा क्वेश्चन, इसे भी बताएंगे आप, अकबर के काल में आईने दशाला पद्धति किसके द्वारा चालू की गई। बहुत सरल प्रश्न है, मुझे नहीं लगता कोई जवाब इसका ना दे पाए, ठीक। तो इस प्रकार हमने अकबर तक का पूरा मुगल काल देख लिया, अकबर तक हमने बहुत सारी जानकारी ले ली और यहीं तक बहुत महत्वपूर्ण राजा भी थे। अब अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब और उत्तर मुगल काल के शासकों के बारे में हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। इसके अलावा किसी प्रकार का अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, आपके कमेंट बराबर रीड किए जाते हैं, ठीक है, उस चीज का आप ध्यान रखिए। और जो हमारा एमसीक्यू सीरीज जो चल रहा है, टॉप एमसीक्यू सीरीज, बताना चाहूंगा कि इसका मेन उद्देश्य, मेन एम ही रखा गया है कि आपको एमसीक्यू के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ साथ संपूर्ण सिलेबस कराना है, संपूर्ण सिलेबस करवाना ही हमारा क्या है, उद्देश्य है। और आप भी अपनी तैयारी इतनी अच्छी कर सकें कि जब भी सीजीपीएससी के एग्जाम में आप जब बैठे तो आपसे कोई प्रश्न ना छूटे, यह हमारा प्रयास है। और आपको कभी कॉम्पिटिशन कमिटी के इस प्लेटफॉर्म को छोड़कर भी नहीं जाना पड़े, इसी प्लेटफॉर्म में वन स्टॉप सॉल्यूशन, एक ही प्लेटफॉर्म में सब चीजें आपको दी जा रही है, ठीक। तो आप कॉम्पिटिशन कमिटी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, धन्यवाद।